Ah, no, Ernesto. Yeah, okay. Assalamu alaikum. क्विकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए यहाँ से हमारी टीम का। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में एक पोस्ट डॉक हूँ। मैं CMS एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा हूँ 2012 से, सो कुछ लगभग 12 साल हो गए। और यहाँ हम कनेक्टेड हैं अभी CMS कंट्रोल रूम से, और मेरे दूसरे साथी गाइड जी, मेरा नाम बिलाल कियानी है। मैं भी एक पोस्ट डॉक हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ तोरिनो इटली से, और मैं भी CMS एक्सपेरिमेंट पे काम करता हूँ। तो आज हम आपको जो है वो CMS एक्सपेरिमेंट का विजिट करवाएंगे। वेल, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट का तो हम विजिट नहीं कर सकते, बिकॉज हम इस वक्त डेटा टेकिंग में हैं। तो डेटा टेकिंग के दौरान जो है वो बिकॉज ऑफ द रेडिएशन इन्वायरमेंट हम एक्सपेरिमेंटल कैबिन के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन हम आपको अंडरग्राउंड फैसिलिटीज का विजिट करवाएंगे, जहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज इंस्टॉल हैं जो CMS एक्सपेरिमेंट को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बट कुछ सरफेस की इंफॉर्मेशन देंगे, और उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा LHC के हवाले से इंट्रोडक्शन, फिर उसके ऊपर मौजूद जितने एक्सपेरिमेंट हैं उसके हवाले से थोड़ा सा गाइडलाइन देंगे। फिर इन दी एंड हम इस चीज़ को भी थोड़ा हाईलाइट करेंगे कि पाकिस्तान जो वो एसोसिएट मेंबर है सर्न का, उसके क्या फ़ायदे हैं और हम इससे कैसे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। इन चीज़ों पर आज हमारी बात होगी। Are you projecting this agenda? तो अगर आपकी तरफ से इजाज़त हो तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम एक पिक्चर शेयर कर रहे हैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये एरिया और इसकी सराउंडिंग। तो आपको एक येलो कलर की टनल नजर आ रही होगी, सर्कुलर। ये बेसिकली है जिसको हम कहते हैं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये तकरीबन 27 किलोमीटर की एक टनल है, और ये स्विस और फ्रेंच दोनों साइडों पे। आपको जो डॉटेड वाइट लाइन नज़र आ रही है, बेसिकली बॉर्डर है स्विट्जरलैंड और फ्रांस के दरमियान। सो फैसिलिटीज़ डिवाइडेड हैं दोनों साइडों पे। और ये जो 27 किलोमीटर की टनल है, इसके ऊपर चार बड़े एक्सपेरिमेंट इंस्टॉल्ड हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं, एलएस, एटलस, LHCb एंड CMS। तो आज हम जिस जगह पे हैं वो CMS है। इसको हम 0.5 भी कहते हैं, क्योंकि जो टनल पे 8 पॉइंट हैं जहाँ पे आप टनल को एक्सेस कर सकते हैं, और उनके नाम सिंपली 0.1, 0.2। तो अभी हम 0.5 पे हैं। आज का विजिट जो होगा वो हम 0.5 का कुछ सरफेस के ऊपर। अभी हम कंट्रोल रूम में हैं, सरफेस पे है ये, लेकिन हम नीचे जो है 100 मीटर अंडरग्राउंड भी जाएंगे। एक्सपेरिमेंट को तो नहीं हम आज देख सकेंगे, लेकिन उसके करीब जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग और जो फैसिलिटीज़ हैं सपोर्टिंग, वो सारी हम आज विज़िट करेंगे। मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड और मोटिवेशन देता जाऊं कि हमें हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है और हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं इन इन एक्सपेरिमेंट्स और इतनी बड़ी टनल से। सो 27 किलोमीटर की जो ये LHC या लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की टनल है, इसके अंदर हम प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं। प्रोटॉन्स को नियरली स्पीड ऑफ लाइट से एक्सेलरेट किया जाता है और उनकी कोलिजन करवाई जाती है इन चार स्पेसिफिक पॉइंट्स पर जो एमन ने पहले मेंशन किए, और उनमें से एक एक्सपेरिमेंट जो है वो CMS है, जिसको कॉम्पैक्ट म्यून्स बोलना कहते हैं। तो होता यह है कि जब हम इन पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ मूव करवाने के बाद उनकी कोलिजन करवाते हैं, तो इससे उस तरह की कंडीशंस बनती हैं जो हमारे पास बिग बैंग के टाइम पे थी। तो बुनियादी आइडिया यह है कि हम अपनी यूनिवर्स को उस अर्लियर टाइम पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि कायनात में उस अर्लियर टाइम पे किस तरह की कंडीशंस थी और हमारी यूनिवर्स कैसे उससे इवॉल्व हुई। तो ये तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इसका, इस सारी एक्सेलरेशन का और इनकी कोलिजन का। और फिर जिस जगह पर ये कोलिजन्स होती हैं, ऑफकोर्स वहाँ पर हमें डेटा कलेक्शन के लिए कुछ डिटेक्टर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो ये जो चार पॉइंट्स हैं यहाँ पे कोलिजन्स होती हैं, और ये जो चार डिटेक्टर्स इंस्टॉल हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये उस कोलिजन से आने वाले डेटा को रिकॉर्ड करते हैं
या उस डेटा की एक स्नैपशॉट लेते हैं। इट्स लाइक अ बिग जाइंट कैमरा। बिग और जाइंट मैंने क्यों कहा ये अभी थोड़ी देर में आपको पता लगेगा। तो ये चारों एक्सपेरिमेंट्स की तस्वीर दिखाई गई हैं और आई मीन इसमें जो ऊपर वाले दोनों हैं CMS और एटलस, ये दोनों जनरल पर्पस डिटेक्टर हैं। डिटेक्टर में जो है वो बहुत डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, और डिफरेंट किस्म की लेयर्स होती हैं इसमें, और ये लेयर इस तरह डिज़ाइन की गई कि जब आप कोलिजन करवाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। उनकी इंटरेक्शन जो है वो मादा के साथ मुख्तलिफ होती है, तो वो जैसे ही हमारे डिटेक्टर में एंटर होंगे उनको रोकने के लिए उनकी जो खसूसियात आप मैयर करना चाहते हैं, मतलब आप उनका मोमेंटम मैयर करना चाहते हैं, आप उनकी एनर्जी मैयर करना चाहते हैं, क्या वो जो पार्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है उनमें या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो हर किस्म की डिफरेंट इंटरेक्शन के लिए और डिफरेंट किस्म के पार्टिकल के लिए हमें एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी चाहिए उसकी प्रॉपर्टीज मैयर करने के लिए। तो ये जो चार किस्म के डिटेक्टर हैं, ऊपर वाले दोनों जो CMS और एटलस हैं, ये दोनों जनरल पर्पस डिटेक्टर हैं। ये वही दोनों डिटेक्टर हैं जिसमें पहली दफ़ा हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी जो है वो क्लेम हुई थी। नीचे वाले जो दो हैं वो ज़रा स्पेसिफिक हैं। जो बॉटम लेफ्ट पे LS है, ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन है कोआगुलुओन प्लाज्मा की स्टडी के लिए। और जो राइट साइड पे ये LHCb, ये एसिमेट्रिक डिटेक्टर है एक साइड पे है। ये बेसिकली जो जब हम कहते हैं कि कायनात जब शुरू हुई थी तो मैटर और एंटी मैटर दोनों इक्वल तादाद में पैदा हुए थे, लेकिन आज की कायनात अगर हम देखें तो हमें उसमें सिर्फ मैटर नज़र आता है। जो एंटी मैटर है वो 0.something% है, सो एज कम्पेयर टू मैटर। तो ये फिजिक्स में एक बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है कि आज की कायनात में हमें मादा ही मादा क्यों नजर आता है, जो एंटी मैटर है वो कहाँ चला गया। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक खास किस्म का डिटेक्टर डिजाइन है जो यहाँ टनल पे इंस्टॉल है। LHCb इसका नाम है। ये LHC का एक्सेलेटर कॉम्प्लेक्स है। इसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें दिखाया गया कि कितने लेवल्स के ऊपर जो है वो आपकी एक्सेलरेशन होती है। तो बुनियादी तौर पे हम ये लेनेक टू से स्टार्ट करते हैं, देन स्टेप बाय स्टेप एनर्जी इंक्रीज होती है और ऑल्सो द साइज ऑफ द रिंग इज इंक्रीजिंग। तो फिर ये होता है कि आपके पास जो फाइनली जब पार्टिकल्स या प्रोटॉन्स जो हैं वो इस बड़ी टनल के अंदर आते हैं, तो उनकी रफ्तार जो है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट होती है, और उनकी एनर्जी पर बीम जो होती है वो ऑलमोस्ट 7 TeV है। तब फिर जो है ऐसी पैरामीटर्स अचीव करने के बाद वहाँ पे कोलिशन होती है। तो ये एक LHC लेट्स से सन एक्सीलरेटर कॉम्प्लेक्स की एक डायग्राम आपके सामने आ जाती है। फिर इसी तरह इसी की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है टनल की। ये हमारे पास सरफेस है और हम तकरीबन 100 मीटर ज़ेर ज़मीन है, और ज़ेर ज़मीन होने की बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से एक बुनियादी वजह जो है वो ये है कि जब प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करवाया जाता है तो वो सिंक्रोटॉन रेडिएशन एमिट करते हैं, तो जो बुनियादी के लिए जिनको अगर वो सरफेस पे हों तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आपको शील्ड करना पड़ेगा इन्वायरमेंट को। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। और उसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं कि अंडरग्राउंड टनल बनाना कॉम्परेबली चीप है टू मेक दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द सर्फेस। फिर ये एक्सपेरिमेंट जैसे एमन ने पहले एक्सप्लेन किया कि इट्स अ लेयर्ड स्ट्रक्चर लाइक मच लाइक एन ऑनियन, हम इसको कहते हैं एक एक ऑनियन की तरह है, और उसकी मुख्तलिफ लेयर्स हैं। इनसाइड आउट जो है वो जो सेंट्रल पॉइंट है वहाँ पे कोलिजन्स होती हैं, उनसे मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल निकलते हैं। उन पार्टिकल्स को कैच या ट्रैप करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की गई। द इनर मोस्ट इज कॉल्ड दी सिलिकॉन क्रैकर। उसके बाद हमारे पास कैलोरी मीटर्स आते हैं जो पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स की एनर्जीज को कैच करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर हमारे पास सोलिनॉइड है। सो सोलिनॉइड क्या है बेसिकली? इट्स लाइक अ वन बिग जॉइंट कॉयल जो मेड अप ऑफ सुपर कंडक्टर्स है। तो इससे हम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इसमें करंट फ्लो करवाते हैं जो 3.8 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का बुनियादी मकसद जो है वो मास स्पेक्ट्रोमीटरी है, कि हम पार्टिकल्स को
सेपरेट करते हैं एक दूसरे से और मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं। एंड आउटसाइड दैट वी हैव द मीऑन सिस्टम, और मीऑन को बाहर रखने की एक बुनियादी वजह भी यही है कि मीऑन आपको जैसे पता ही होगा कि कैसा पार्टिकल है, इट्स एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग व्हाइल रेस्ट ऑफ द पार्टिकल गेट एब्जॉर्ब्ड इनसाइड। तो ये कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं सीएमएस के, जैसे 14,000 टन वजनी ये डिटेक्टर है, सो इट्स नॉट अ स्मॉल डिटेक्टर। जब मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि इट्स अ जाइंट कैमरा, तो दिस इज व्हाट आई मेंट, कि 14,000 टन वेट है, इसका डायमीटर जो है वो 15 मीटर है और तकरीबन लेंथ इसकी जो है वो 28 मीटर के करीब है। और मैग्नेटिक फील्ड जैसे मैंने पहले मेंशन किया, 3.8 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फॉर पार्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स। Want to prepare to go down? तो अभी दिस वुड बी ऑलमोस्ट लास्ट या सेकंड लास्ट स्लाइड। तो बिलाल प्रिपेयर हो रहा है अंडरग्राउंड जाने के लिए। ये उसी का तसलसल है जो पिछली स्लाइड पे दिखाया। ये बेसिकली ये पॉइंट है जहाँ से ये सारे ट्रैक्स आपको निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब अज्यूम करें कि ये वो है जहाँ पे कुलियन हो रहा है और आप मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है ये एक्सप्लेन करेगा कि बेसिकली हमारे पास है क्या। तो जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है जो सिलिकॉन ट्रैकर है, इसमें हमारे पास सिलिकॉन के छोटे छोटे सेंसर्स हैं। बेसिकली हम इनको इस्तेमाल करते हैं कि जो भी चार्ज पार्टिकल इनसे गुजरेगा वो सिलिकॉन को आयोनाइज करता है। तो एक लेयर के ऊपर छोटे छोटे चिप्स होते हैं, फिर अगली लेयर पे छोटे छोटे चिप्स होते हैं। जहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल गुजरता है वो वहाँ से अपना जो है वो सिग्नल हिट हम उसको बोलते हैं वो छोड़ता है। तो अगर आप जो डिफरेंट लेयर्स हैं 10-12 उनमें हिट्स हों और अगर आप उनको कनेक्ट करें तो ये बेसिकली आपको बताता है कि जो चार्ज पार्टिकल आपके डिटेक्टर में आया था उसका जो है वो ट्रैक या रास्ता क्या था उसका। इस रास्ते को हम यूज करते हैं उस पार्टिकल का मोमेंटम मेजर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अभी बताया गया था कि एक सोलिनाइड मैग्नेट है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं तो वो बैंड हो जाते हैं। एक तो पहली चीज़ तो हम ये मालूम कर लेते हैं कि क्या वो उन पे प्लस चार्ज है या मनफी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दोनों जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में बैंड होते हैं। सेकेंड ये कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है जो है हमारे केस में, तो जो पार्टिकल कितना बेंड होगा ये उसके मोमेंटम पे डिपेंड करता है। अगर मोमेंटम ज़्यादा हो तो वो कम बेंड होगा, अगर मोमेंटम कम है तो वो ज़्यादा बेंड होगा। तो बेसिकली अगर आपको रास्ता पता हो किसी चार्ज पार्टिकल का और आपको मैग्नेटिक फील्ड पता हो तो आप उसका मोमेंटम मेजर कर सकते हैं फंडामेंटल मैथमेटिक्स के ज़रिए। अच्छा, इसके बाद जो दूसरे किस्म के पार्टिकल है आपको कुछ यहाँ पे नज़र आएंगे कि जो बिल्कुल सीधे गुजर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर का है। ये कुछ ऐसे पार्टिकल भी होते हैं जैसे फोटोन है जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो वो चार्ज नहीं होते, जब वो सिलिकॉन से गुजरेंगे वो आयोनाइजेशन भी नहीं करेंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड में बैंड भी नहीं होते क्योंकि उन पे कोई चार्ज नहीं है। तो इस किस्म के पार्टिकल्स को रोकने के लिए हमारे पास दो लेयर्स हैं। एक हेड्रॉनिक कैलोरीमीटर है जो हेड्रॉन्स को रोकती है, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन, ऐसे पार्टिकल जो स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट करते हैं जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, के ऑन, फाई ऑन, वो सारे जो है वो इस कैलोरीमीटर में डिपॉजिट हो जाते हैं और उनकी बेसिकली हम एनर्जी मेजर करते हैं। और जो सेकेंड है वो हमारे पास इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैलोरीमीटर है, इसमें वो वाले हैं जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन करते हैं उनको। तो बेसिकली हम इनको स्टॉप करते हैं इनकी एनर्जी मेजर करने के लिए और आयोनाइजेशन जो है वो होती है उससे हम उसका मोमेंटम मेजर करते हैं। और फिर मीऑन्स जो है वो लास्ट में जैसे बताया गया वो पेनिट्रेटिंग है, वो हमारे डिटेक्टर के आखिरी हिस्से में जो है वो All right. Give me the question. So yes, you There is can. also a question which you can address, like how much data we collect in experiment when you talk. Yeah, we can talk about that later. First, let me थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन करने दें ये सीएमएस कंट्रोल रूम का. Can they hear me? Yeah, okay.
सो इस वक्त हम सीएमएस के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बहुत सारी स्क्रीन हैं। इन स्क्रीन्स का मकसद यह है कि चूंकि इस वक्त या जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास शिफ्टर्स मौजूद होते हैं। तो ये आप ये देख रहे हैं, ये साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं ये टेक्निकल शिफ्टर हैं। देन वी हैव द शिफ्ट लीडर ओवर देयर, और इनकी बहुत सारी स्क्रीन्स इनके सामने मौजूद हैं। देन वी हैव द डार्क शिफ्टर, ट्रिगर, DQM एंड ऑल दोस अदर डिफरेंट काइंड ऑफ शिफ्टर। तो मकसद ये है कि ये इन सारी शिफ्टर्स का, इन सारे शिफ्ट्स का मकसद ये है कि जो हम LHC में जो डेटा कलेक्शन के लिए बेसिकली जो प्रोटॉन एक्सेलेट करा रहे हैं, इट्स अ रियली रियली ट्रिकी बिजनेस। तो हम उसकी हम मेक श्योर करते हैं कि जितना भी डेटा हमारे पास डिलीवर हो रहा है हम उसको मुकम्मल तौर पे कलेक्ट करें और हम वो किसी किस्म का डेटा जो है वो लूज ना करें। तो इन शिफ्टर्स का मकसद ये है कि CMS चूंकि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले की स्लाइड्स में देखा है कि मुख्तलिफ किस्म के डिटेक्टर्स हैं, और जितना बड़ा साइज है और जितनी बड़ी उसकी ग्रेनुलरिटी है, उन सारे चैनल्स को, मिलियंस ऑफ चैनल्स हैं, उनको उनकी डेटा टेकिंग को मेक श्योर करने के लिए कि वो डेटा कलेक्शन सही तरीके से हो रही है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है CMS के लिए। और समहाउ वी आर ऑल्सो लेट्स से कि हम जवाबदेह होते हैं LHC को कि अगर इतना डेटा हमें दिया गया है तो हमने उसमें से कितना कलेक्ट किया। तो ये कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया गया है बेसिकली उन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ पे डेटा कलेक्शन में काम कर रहे होते हैं और जिनका जो मेन गोल होता है डेटा क्वालिटी को देखना, और देखना कि किसी किस्म के डेटा को हम लूज नहीं कर रहे। तो ये 24/7 ऑपरेशन चलते हैं। इसका मतलब ये है कि हम रात को भी यहाँ पे शिफ्ट होती हैं। एक शिफ्ट जो होती है वो तकरीबन 8 घंटे की होती है। सो हम सुबह 7 बजे शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 बजे फिर ख़त्म होती है, फिर अगली शिफ्ट 11 बजे ख़त्म होती है, फिर नाइट शिफ्ट भी होती हैं जो 11 बजे लोग आते हैं और सुबह 7 बजे वो हो जाते हैं। तो क्योंकि LHC को रैम्प अप करना या उसके ऑपरेशंस को हम विद इन अ डे ये नहीं कह सकते कि शाम को सब कुछ हो गया एंड वी स्टॉप एवरीथिंग एंड वो गो होम। So this is not possible. So that's why we have to keep taking the data and also हमें इन शिफ्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो कुछ कंट्रोल रूम का दूसरा हिस्सा भी है, जैसे कि पहले आपको एक्सप्लेन किया गया था कि CMS के अंदर बहुत मुख्तलिफ किस्म के डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, उनको हम सब सिस्टम्स बोलते हैं। ये उनकी इंडिविजुअल स्क्रीन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मियॉन सब सिस्टम्स के लिए स्क्रीन्स लगी हुई हैं। मियॉन्स के अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय की गई हैं, और हर स्क्रीन के अंदर यहाँ पे नॉर्मली शिफ्टर्स मौजूद होते हैं। इस वक्त जो है वो एक मीटिंग चल रही है जिसको हम डेली रन मीटिंग कहते हैं, सारे के सारे जो शिफ्टर्स हैं वो वहाँ पे गए हुए हैं, इसको अपनी पिछले 24 घंटे की डेटा टेकिंग कलेक्शन को रिपोर्ट करने के लिए, क्या है हमने कोई प्रॉब्लम देखा है या कोई कोई मसला मसाइल तो नहीं हुआ लास्ट 24 आवर्स में। तो वो उसके लिए हमारे पास हर मॉर्निंग में 9:30 एक मीटिंग होती है ऑपरेशंस के हवाले से, जहाँ पे हम ये एवेलुएट करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या मसाइल आए और कैसे कैसे हम उसको अवॉइड किए कर सकते थे, और कैसे हम ये कोशिश कर सकते थे, ये मेक श्योर कर सकते थे कि हमारे पास 100% डेटा कलेक्शन हो रही है। ओवर टू यू अहमद। अच्छा, मे बी हेलो, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज़ आ रही है? यस मेहर, गो अहेड। अच्छा, बहुत शुक्रिया, सॉरी मैं नहीं आ सका, वो थोड़ा सा इशू हो गया था, हमारे एक कोलीग आए हुए NCP से, तो उस सिलसिले में, वरना उधर होना था। तो अच्छा, मेरे माइंड में ये था कि आज का थोड़ा सा ये जेनेरिक की इंट्रोडक्शन विदाउट गोइंग डीपर इन फिजिक्स और वो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जेनेरिक ऑडियंस मौजूद है। ऑफकोर्स मुझे मंसूर साहब भी नज़र आ रहे हैं और एजाज भाई भी और काफ़ी फिजिक्स के प्रोफेसर भी, तो मे बी हम इस हवाले से नेक्स्ट सीरीज रख सकते हैं, डिटेल जो फिजिक्स प्रोग्राम है वो। तो उस हवाले से दो तीन चीज़ें, खैर महमूद और बिलाल ने सारा समराइज कर दिया, एक दो चीज़ें। एक चीज़ शायद ये ज़्यादातर लोगों के इलम में होगा, तो CMS डिटेक्टर जनरल पर्पज़ डिटेक्टर है, और जो हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी हुई थी जिस पे 2012 का नोबेल प्राइज भी अवार्ड हुआ था, तो ये CMS की और एटलस जो दूसरा डिटेक्टर है इनकी डिस्कवरी थी, लेकिन CMS ने इंडिपेंडेंटली हिग्स बोसॉन को डिस्कवर किया था, और हिग्स के बहुत से चैनल्स हैं, तो उसमें म्यूऑन्स ऑफ कोर्स सबसे वो उसकी कह लेंगे ब्रांचिंग रेशियो हाई है और बड़ा क्लीन चैनल है। तो वो अभी बिलाल ने आपको वो दिखाए हैं म्यूऑन डिटेक्टर्स के 4 कंट्रोल रूम पैनल,
तो ये एक मेरा ख्याल था इंटरेस्टिंग एक चीज शेयर करने के लिए। और ऑफ कोर्स अब इस पे काफी फर्दर सर्चेज हो रही हैं और प्रिसियन और उसके फर्दर प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। और उसके अलावा ये कंट्रोल रूम का एक पर्पस फिर ये था कि ये जो सेंट्रल एलएक्सी टीम के साथ यहाँ से कोऑर्डिनेशन होती है, और जैसे बिलाल ने बताया कि इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अच्छा, मेरा ख्याल है उससे पहले ये इंटरेस्टिंग जगह पे बिलाल मौजूद है, पहले उसकी तरफ चलते हैं फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जी ओके, बिलाल, सो इस वक्त हम जो है वो सरफेस पे मौजूद हैं, सीएमएस सरफेस पे। इस बिल्डिंग को SX5 कहा जाता है। और बेसिकली क्या हुआ था कि जो सीएमएस जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया कि 14,000 टन वजनी डिटेक्टर है, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं था कि हम 14,000 टन वजनी डिटेक्टर को अंडरग्राउंड 100 मीटर्स डाउन स्टेयर्स वहीं पे ही बना सकते हैं और वहीं पे ये सैंपल कर सकते हैं। सो वो सिंपली इम्पॉसिबल टू टू जस्ट फ्रॉम द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो हुआ ये था कि सीएमएस को यहाँ पे, इस ये बहुत बड़ा हॉल आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ पे सरफेस के ऊपर असेंबल किया गया था पीस बाय पीस। और उसके एक एक पीस को, जो बेसिकली 5 व्हील्स है सीएमएस के, सीएमएस के अगर ज्योमेट्री को मैं एक्सप्लेन करूँ तो उसके अंदर 5 व्हील्स हैं और फिर एंड कैप्स के ऊपर डिस्क हैं। तो वो जो 5 व्हील्स थे उनको वन बाय वन करके, जिस जगह पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ 100 मीटर्स डाउन, ये जस्ट एक एक मोबाइल किस्म का छत है। इसको यूजुअली जब हम एक्सपेरिमेंट को हम कुछ फॉर एग्जांपल टेक्निकली ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या ऐसे टाइम पीरियड पे होते हैं जब हमने वी हैव टू डू सम लेट्स से ऑपरेशन ऑन द डिटेक्टर, तो उस केस के अंदर हम इस सारे के सारे रूफ को मूव कर देते हैं उस साइड पे। ये बेसिकली रेल्स के ऊपर है और हमारे पास यहाँ पे 100 मीटर्स डाउन एक बहुत बड़ा सुराख, एक बहुत बड़ा होल बन जाता है ऑल द वे डाउन। इस शॉफ्ट से बेसिकली सीएमएस को लोअर डाउन किया गया था और फिर नीचे जाके उसको असेंबल किया गया था। अच्छा, मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, ये सीएमएस एक्सपेरिमेंट का एक्चुअल साइज है। तो मैं इसके सामने खड़ा हूँ, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएमएस एक्सपेरिमेंट कितना बड़ा है। मेरी हाइट तकरीबन 5 फुट 10 इंच है और आप ये देख सकते हैं कि सीएमएस एक्सपेरिमेंट के सामने मैं कुछ नहीं हूँ। तो ये फ्रॉम इनसाइड आउट आपको इसका एक ज्योमेट्रिकल व्यू भी दे रहा है। द इनर मोस्ट पोर्शन जो आप देख रहे हैं वो गोल्डन पोर्शन, ये जो है आपके पास ट्रैकर है, सीएमएस का ट्रैकर। फिर उसके बाद ये जो ब्लूइश किस्म के आप बेसिकली फिगर देख रहे हैं, दीज आर द कैलोरी मीटर्स जो पहले हमने भी एक्सप्लेन किया। और उसके बाद ये ग्रेश है, ये एक्चुअली द सीएमएस का मैग्नेट है और फिर आउटसाइड सीएमएस के मियोन सिस्टम है। अगर मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि वाई सीएमएस इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट मियोन सोलेनोइड, सो कॉम्पैक्ट वाई बिकॉज आई मीन उसका वेट जो है 14,000 टन है जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन साइज में वो काफी छोटा है। कंपेयर टू व्हाट छोटा है? कंपेयर टू अदर राइवल एक्सपेरिमेंट जिसको एटलस बोलते हैं, वो इससे काफी बड़ा है। ये साइज में काफी छोटा है एंड येट द वेट इज क्वाइट क्वाइट डेंसली पैक्ड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कॉम्पैक्ट। दूसरा जो वर्ड है उसके अंदर आता है मियोन्स। सो एज यू कैन सी दैट वी हैव अ लॉट ऑफ पोर्शन ऑफ द डिटेक्टर दैट इज जस्ट डेडिकेटेड फॉर द डिटेक्शन ऑफ मियोन्स। इसमें मैं अगर ये एक्सप्लेन करूं कि व्हाई मियोन्स, व्हाई मियोन्स क्यों हम इस पर फोकस करते हैं, तो वो मैंने पहले भी बताया कि इसकी एक बड़ी डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी है कि मियोन कैन ट्रेवल थ्रू द स्पेस अ लॉट देन द अदर पार्टिकल्स। जो सारे बाकी पार्टिकल्स हैं वो वहां पे अंदर डिटेक्ट होंगे या वो अपनी एनर्जी को डेसिपेट कर देंगे, ओनली मियोन्स कैन ट्रेवल ऑल द वे अप। तो हमारे पास एक बड़ा वेल आइसोलेटेड किस्म का सिग्नल होता है जिसपे हमें बड़ा यकीन होता है कि इट्स नॉट कंटेमिनेटेड विद समथिंग एल्स। तो इस वजह से मियोन्स के ऊपर फोकस इंटरनल पार्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में होता है। तो ये वेरी, इसको हम कहते हैं कि बड़ा क्लीन सिग्नेचर मिलता है इनसे। तो मेरे जो पीएचडी का फिजिक्स का पीएचडी का टॉपिक था वो भी हिग्स डिकेइंग टू 2z इलेक्ट्रॉन, 2z बोसॉन्स एंड देन z इज गोइंग टू द लेप्टॉन्स फाइनली, और लेप्टॉन्स में हम मियोन्स को सिलेक्ट करते थे। तो हम वहां भी यही कहते थे कि इन लेप्टॉन्स को हम बड़े ही क्लीन सिग्नल देखते हैं और हम जो उससे अपनी डिस्कवरी या जो भी हम उससे एस्टिमेशन लगाएंगे उस पे हमें बहुत कॉन्फिडेंस होगा कंपेयर टू अदर काइंड ऑफ पार्टिकल्स लाइक फॉर एग्जांपल हेड्रॉन्स, जो आपको पता है कि बहुत किस्म की फिजिक्स में, फॉर एग्जांपल हम उसे बोलते हैं कि जेट्स या एक्सट्रीम किस्म की गार्बेज मटेरियल्स के साथ भी आता है और उनको क्लीन सिग्नल उससे मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो दैट्स व्हाई इट्स द मियोन इज देयर। एंड द थर्ड वर्ड इन सीएमएस इज सोलिनॉइड, अगेन जो मैग्नेट की मैं बात कर रहा हूँ। सोलिनॉइड क्या है? बेसिकली एक कॉइल है जिसके ऊपर दो एंड्स में आपने पावर सोर्स दे दिया एंड यू मेक इट इलेक्ट्रोमैग्नेट। सिमिलर स्टोरी
इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल कंडक्टर वी हैव अ नायोबियम टाइटेनियम और सम जो है 3.8 Fm मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो आइडिया यही है, जो कोलिजन से पार्टिकल्स थे उनको बेंड करो और उनके मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज को मेजर करो। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। ये बेसिकली एरियल मैप है LHC का। तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली बीच में, आई डोंट नो हाउ मच यू कैन सी, बट बीच में मुख्तलिफ किस्म के आपको एक सर्कल नजर आ रहे होंगे। तो सबसे बड़ा सर्कल है ये LHC को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये टनल जो है मुख्तलिफ टाउन से और मुख्तलिफ लोगों के घरों के नीचे से भी गुजर रही है और 100 मीटर जेर जमीन है, 100 मीटर 100 मीटर जेर जमीन है। अभी आप इसकी एक एनिमेशन देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो है ये रेड किस्म की LEDs जो है ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आपकी पार्टिकल्स को। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये रेड किस्म के पार्टिकल्स जो हैं वो आपके मेन LHC टनल में जाएंगे और फिर हमारे पास ये ब्लूइश और येलोइश किस्म की कोलिजंस आपको नजर आएंगी। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है ऑफ द कॉन्सेप्ट के जैसे हम पार्टिकल्स को LHC के अंदर एक्सेलरेट करवा रहे। तो आप एक मजे की बात देखेंगे कि साइमल्टेनियसली हमारे पास कोलिजंस हो रही हैं ऑल 4 पॉइंट्स के ऊपर, और ये जो ब्लू और येलो किस्म के आप LED की वो देख रहे हैं वो ये शो कर रहा है कि हाँ यहाँ पे कोलिजंस हो रही है। ओवर टू यू अहमद। अच्छा एक चीज मैं अहमद इजाजत दें तो ऐड कर दूं, तो ये जो बिलाल ने आपको सोलेनाइट मैग्नेट दिखाया है, ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये इस एनर्जी पे इज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सोलेनाइट मैग्नेट एवर बिल्ट। जैसे आपको बिलाल ने बताया इसके अंदर सुपर कंडक्टिंग कॉयल्स हैं, तो हमारे जो लोग फिजिक्स से नहीं उनके लिए क्विक सब, सुपर कंडक्टर ये है कि आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है आपके पास कंडक्टर में, कंडक्ट कर रहा है लेकिन विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी रेजिस्टेंस। तो यानी कि कंडक्टर को आपने इतना सुपर कंडक्टर कर दिया है। तो जो नायोबियम टाइटेनियम का बिलाल ने जिक्र किया, तो इसके अंदर जो यूज हो रही है फिर इस उसको फिल किया गया है लिक्विड हीलियम के साथ। लिक्विड हीलियम का टेम्परेचर है -271 डिग्रीज, तो वो उसको कूल करता है इस लो टेम्परेचर पे और फिर वो बनती है सुपर कंडक्टिंग। तो फिर उसमें से ये 10 से 12 हजार एम्पेयर का करंट जा रहा है जो कि 3.8 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड यूज करता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी एक वन ऑफ द यूनिक कह लें चीज है कि मैग्नेट्स के ऊपर भी यहाँ सुपर कंडक्टिविटी भी बड़ा काम हो रहा है, कुछ कंट्रीज बड़ा फोकस कर रहे हैं। और ये जितनी आपको ये टेक्नोलॉजीज ये बिलाल जिक्र कर रहे हैं तो ये डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट कोलेब्रेशन है, म्यूऑन के अंदर काफी सारी कोलेब्रेशन है, ये जितने डिटेक्टर्स हैं, फिर ये मैग्नेट, तो ये मल्टीपल कोलेब्रेशन है 30, 40, 50, 60 ममालिक की। बिलाल आप बताइएगा, जब आपने, चूंकि बिलाल प्रायोरिटी पे है वो अभी चूंकि ऑन, अभी बिलाल ये जा रहे हैं, आप देखें अभी इस सरफेस से बिलाल अपने अभी बिलाल की ऑथेंटिकेशन चेक हो रही है, उसने अपना रेडिएशन मेजरिंग डिवाइस वहां पे बैच की है, तो सिस्टम चेक कर रहा है उसके रेटेना से और उससे कि उसके सारे सेफ्टी कोर्सेज मौजूद हैं, चूंकि सेफ्टी सन का बड़ा कंसर्न है, चूंकि वो रेडिएशन एनवायरमेंट में नीचे जा रहा है तो उसके डिवाइस से उसके पर्सनल डोज चेक हुआ है, फिर उसके रेटेना से उसकी चेक हुआ है आईरी स्कैन से कि उसके सारे जो कोर्सेज हैं, फायर एक्सटेंशन का कोर्स है, उसका सेल्फ रेस्क्यू मास्क की ट्रेनिंग है, उसकी फर्स्ट एडर की ट्रेनिंग है, उसके रेडिएशन के कोर्सेज हैं, सारे कंप्लीट होंगे और तब सिस्टम अलाउ करेगा उसको इन होना, और ये आगे फिर ये मल्टीपल लेवल पे ये चीज चेक होगी। तो सेफ्टी का बड़ा इसके अंदर कंसर्न है, इन एडिशन टू कि ऑफ कोर्स अंदर बहुत ज्यादा डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, अंदर रेडिएशन मेजरिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं, वो मल्टीपल चेक्स हैं। तो ये तो खैर इसके ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके अलावा अभी बिलाल इंटर होगा इस लिफ्ट में जो के नीचे ले जाएगी 87 मीटर्स में। बिलाल अभी बोलेंगे आप? यस, सो अभी हम यहाँ पे इस लिफ्ट में मौजूद हैं जैसे मेहर ने बताया, तो ये लिफ्ट तकरीबन 100 मीटर के करीब जेर जमीन लेके जाएगी हमें, और ये हमारे पास एक विजिट आया है, तो विजिट्स जो है ना वो बड़े नॉर्मल हैं यहाँ पे, लोग विजिट करने आते हैं एक्सपेरिमेंट्स को, हजारों लोग आजकल आ रहे हैं, 2000 से 2400 पर डे,
ओवरऑल अनसन। ऑलराइट अब हम जो है वो एक्सपेरिमेंट के की तरफ जा रहे हैं। आप यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ देखेंगे जो बेसिकली आपको ये बताएगा कि हम कितना कितना नीचे जाएंगे एलएचसी के अंदर। सो वी विल बी डिस्क यस सो मेहर, एक दो क्वेश्चन थे, अगर तुम वो लेना चाहो तो वो ले लो, मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ। जी अहमद। पहला ये है कि आप हाउ मच डेटा यू कलेक्ट इन एक्सपेरिमेंट। तो यू स्टार्ट विद द दूसरा, थर्ड क्वेश्चन। डू यू वांट टू आंसर इट और शुड आई? तुम्हें नंबर एग्जैक्ट या अभी, बल्कि नहीं, आई बिलाल मीन मुझे इट्स लाइट इट्स कर ऑर्डर दीजिए। ऑफ आई डोंट नो 20 to 30 पेटाबाइट्स पर ईयर। हाँ नहीं, क्वेश्चन ये है कि एट अ टाइम इन अ गिवन कोलिजन कितने डेटा जनरेट हो रहा है। नहीं, मैं ये चाह रहा था कि बिलाल इसका आंसर करे जब वो ट्रिगर के पास हो। तो पॉइंट ये है कि हमारा कोलिजन रेट तो बहुत ज्यादा हाई है। तो अभी थोड़ी देर में बिलाल आपको इलेक्ट्रॉन, तो होता क्या है कि अब आप देखें, हम अराउंड 100 बिलियन प्रोटॉन्स कोलाइड, मतलब आ रहे होते हैं। ऑफ कोर्स सारे हेड ऑन नहीं कोलाइड करते, लेकिन उसके अंदर से और ये कुलियन हो रही है 40 नैनो सेकेंड, मतलब 40 मिलियन टाइम्स अ सेकेंड। तो उसके अंदर बहुत फ्यू इंट्रैक्शन है जो हॉट हेड 45 ऑन होते हैं। तो इसमें फिर इलेक्ट्रॉनिक्स नॉइस और ये सारा होता है। तो वो बिलाल अभी दिखाएगा वो ट्रिगर की, जहां पर मेजोरिटी ऑफ द डेटा डिस्कार्ड हो जाता है। तो मेरा ख्याल है फिर हम वो नंबर अभी नहीं जो पास जो उसके करते। बाद एचएलटी और तो फाइनल हम स्टेप इस पास करता है वो वक्त 30 है। अंडरग्राउंड 30 पैट सर्विस कैवर्न के अंदर मौजूद हैं। देर आर टू कैवर्न्स एक्चुअली। एक को हम यूएससी बोलते हैं, अंडरग्राउंड सर्विस कैवर्न, जहां पे अभी मैं खड़ा हूँ, और फिर एक है यूएक्ससी, अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंटल कैवर्न। ये दोनों कैवर्न्स को सेपरेट किया गया विद अ लॉट ऑफ कंक्रीट, ऑलमोस्ट लाइक 10 मीटर्स ऑफ कंक्रीट इन बिटवीन दम। तो आइडिया क्या है कि दो मुख्तलिफ कैवर्न्स बनाने का मेन आइडिया ये है कि जब हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो जब ऑपरेट हो रहा होता है, ऑब्वियसली इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट बिकॉज ऑफ द रेडिएशन वी कैन नॉट गो इन साइड द एक्सपेरिमेंट, और मैं उसकी लिमिट भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन हम हमेशा यहाँ पे आ सकते हैं। तो वो जो कंक्रीट है वो बेसिकली इट प्रोटेक्ट इट इट सर्व्स एज अ शील्ड कि वो रेडिएशन वहां से यहां तक नहीं पहुंचती। तो ये बुनियादी मकसद है। और फिर हम जितनी भी सर्विसेज हैं, या आप मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे रैक्स देख रहे होंगे जिसमें मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर्स इंस्टॉल हैं, मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा इन अ मिनट के क्या है। इस सारे के सारी सर्विसेज जो हैं वो इस कैवर्न के अंदर इंस्टॉल की गई हैं। एंड द मेन आइडिया इज के इवन दो ड्यूरिंग द ऑपरेशन एक्सपेरिमेंट के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वी आर एबल टू कम डाउन हेयर और हम इस उन तमाम चीजों को यहाँ पे फिक्स कर सकें विदाउट गोइंग इन टू द मेन कैवर्न, और विदाउट लेट्स से इंटरवीनिंग ऑन द एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ। तो हम चीजों को यहीं से फिक्स कर लें। तो ये बेसिकली मेन आइडिया था, दो सेपरेट कैवर्न्स बनाने का और तमाम तर सर्विसेज को इंस्टॉल करने का। अब बात आती है कि ये सर्विसेज क्या क्या हैं, उनको यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं, लेकिन उनमें से मैं कुछ को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ये मेरे सामने आप देख रहे हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड बेसिकली आप देख रहे होंगे इसके ऊपर ट्रिगर, ये DAQ लिखा हुआ है। ये क्या होता है, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मुख्तलिफ किस्म के वायर्स हैं, कलर्ड वायर्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑप्टिकल फाइबर्स। एंड आई एम श्योर कि मुझे ऑप्टिकल फाइबर्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन होता यह है कि एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमारे पास डिटेक्टर मटीरियल है, लेट सपोज देर इज अ चार्ज पार्टिकल और देर इज अ पार्टिकल मियोन्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो वहां से पास कर रहा है। वो तो जो मियोन के डिटेक्टर्स हैं वो यूजुअली बने हुए हैं आपके गैसियस टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसका मतलब आता है क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन आयन पेयर बनता है जिससे एक सिग्नल जनरेट होता है। उस सिग्नल को हम बेसिकली उस सिग्नल को बेसिकली हम एम्पलीफाई करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं यूजिंग सम काइंड ऑफ फ्रंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो उस सिग्नल को इन द फॉर्म ऑफ लाइट कन्वर्ट करके उस लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है इन फाइबर्स के थ्रू। वो यहां पे आता है और ये आपके पास, ये दीज आर द लेट्स से द ट्रिगर कार्ड्स दैट आर इंस्टॉल्ड हियर। अब ट्रिगर कार्ड्स क्या करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू के सीएमएस के अंदर आफ्टर एवरी 25 नैनो सेकेंड वी आर हैविंग सम कोलिजन, और ये जो रेट है द एट विच द डेटा इज कमिंग हियर इज 40 मेगाहर्ट्ज। तो इसमें हम हमें अब एक किस्म की एक सेंसेबल अप्रोच चाहिए, और वो ये है कि नॉट एवरीथिंग
is coming out of this 40 megahertz data is useful for us or interesting for us. तो हम उसके ऊपर कुछ checks लगाते हैं ताकि हम अपने resources को उस चीज से fill out ना करें जिसकी हमें जरूरत नहीं है. तो उन checks को जो है या उस किस्म की let's say selection को वो perform किया जाता है in 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 cards के अंदर, in trigger cards के अंदर. तो हमारे पास रेट जो है वो 40 मेगाहर्ट्ज से ऑलमोस्ट 100 किलोहर्ट्ज तक रिड्यूस किया जाता है और ये परफॉर्म किया जाता है इन 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 कार्ड्स के जरिए. अब यहाँ पे एक नेचुरल क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या हम उस डेटा को लूज तो नहीं करते जो हमारे लिए हमें यूजफुल या खुदा ना खास्ता हम कोई यूजफुल डेटा तो यूज नहीं करते. उसके लिए बड़े बड़े साइंटिफिक किस्म की सिलेक्शन है और जो एल्गोरिथम्स इन कार्ड्स के ऊपर रन करते हैं दे आर एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड और हम मेक श्योर करते हैं कि कोई भी यूजफुल डेटा यूज ना हो. फॉर एग्जाम्पल सी एम एस में लेट्स से लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, एक ऐसी जगह है जहां पर एक्टिव डिटेक्टर मटीरियल मौजूद नहीं है. वी आर ट्राइंग टू फाइंड लुक फॉर द ट्रैक ऑफ अ मीऑन, लेकिन एक मीऑन डिसअपियर हो गया एक ऐसी पोजिशन में जहां पर एक्टिव डिटेक्टर मटीरियल की मौजूदगी नहीं है. इस तरह का सिग्नल जो है वो हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है. इस तरह की सिग्नल को हमें स्टोर करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा. We are not sure of it. तो ऐसे ऐसे किस्म के सिग्नल को हम डिस्कार्ड करते हैं just because we don't want to fill our resources with it. तो इस सारे प्रोसीजर को हम बेसिकली लेवल वन ट्रिगर मैकेनिज्म कहते हैं और फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ और लेवल्स भी हैं जो डेटा को मोर रिफाइन करते हैं. एंड सिमिलरली द अदर थिंग इज दैट द डैक, दैट इज द डेटा एक्विजिशन मैकेनिज्म जिससे हम बेसिकली डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं. तो ये बड़े हाईली स्पेशलाइज किस्म के FPGA बेस्ड बेसिकली कंप्यूटर कह सकते हैं आप इनको, कार्ड्स कह सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आप इनको नाम दें, ये हमारे लिए फैसला करते हैं कि जो इवेंट हमारे पास आ रहा है हम इसको स्टोर करें या डिस्कार्ड करें. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन CMS. फिर आगे आते हैं. अब जैसा कि हम पहले मेंशन कर चुके हैं कि CMS के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डिटेक्टर मटीरियल्स हैं और उनकी उनके लिए जो हाई वोल्टेज की या लो वोल्टेज की सेटिंग्स है उनको एक स्पेसिफिक हाई वोल्टेज पे ऑपरेट किया जा सकता है, ऑपरेट किया जाता है. तो होता ऐसे है कि ये नहीं हो सकता कि हमने मतलब एक डिटेक्टर बनाया और उसको हमने 220 वोल्ट्स पावर सॉकेट में लगा दिया एंड दैट इज एनफ. सम टाइम्स द डिटेक्टर्स आर डेवलप्ड फॉर सच अ हाई वोल्टेज जिसमें आपको एक स्पेशलाइज्ड किस्म की इक्विपमेंट चाहिए होता है टू प्रोवाइड दैट हाई वोल्टेज. वो आप यहाँ पे इंस्टॉल हुए देख रहे हैं. ये काइन एक इटालियन कंपनी है जो हमें हाई वोल्टेज सिस्टम प्रोवाइड करती है. जैसे फॉर एग्जांपल मेहर बेहतर तरीके से मुझे आपको बता सकते हैं, लेकिन जैसे आरपीसी डिटेक्टर है जिसमें पाकिस्तान का एक बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है पास में और उसकी हाई वोल्टेज इक्विपमेंट जो वो पाकिस्तान ने CMS को प्रोवाइड किए थे बैक इन 2005-2006. तो आरपीसी डिटेक्टर्स जो है वो ऑलमोस्ट लाइक 9000 समथिंग हाई वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट करते हैं. तो इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए जो इक्विपमेंट है, जो काइन का सेटअप है, वो पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया था. और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एक प्राउड मूवमेंट है कि हम CMS की डिस्कवरीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और स्पेशली जो हिग्स बोसोन की डिस्कवरी है उसमें पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट स्पेशली NCP का नाम आता है और उनके ऑथर्स का नाम आता है, विच इज अ प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान. तो अभी मैं आपको लेके जाता हूं उसी तरफ जहां पे बेसिकली एक बोर्ड भी लगा हुआ है. सो दीज आर ऑल द आरपीसी हाई वोल्टेज सिस्टम. इसकी एक्सप्लेनेशन आई एम श्योर कि मेहर जो है आपको अच्छे तरीके से बता सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टैग लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. एंड ऑल ऑफ दीज हाई वोल्टेज सिस्टम बैक इन द डे जो आज भी ऑपरेट कर रहे हैं, जो आरपीसी को हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से आए थे. बिल्कुल बिल्कुल, ये एग्जैक्टली ये एक बड़े एक विजिबल चीज है पूरी दुनिया के साइंटिस्ट के सामने. और प्लस ऑफकोर्स पाकिस्तान ने 300 डिटेक्टर भी बनाए थे और ये मल्टी चैनल पावर सिस्टम है तो, और ये रिमोटली कंट्रोलेबल होता है ये. और फिर चूंकि हमारे बड़े डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं, चूंकि हर एक कंपोनेंट बहुत सेंसिटिव है, तो फॉर एग्जांपल अगर करंट्स
थोड़ा सा डेविएट करती है या टेम्परेचर किसी वजह से वो होता है, तो वो इमीडिएटली इस इन ये सिस्टम अलाउ करता है रिमोटली कंट्रोल के थ्रू कि आप इसको उनको वार्निंग जनरेट कर सकते हैं, उनको किल कर सकते हैं। वो फिर जेंटल मैकेनिज्म है, चूंकि एकदम से ऑफ ऑफ करें तो डैमेज हो सकता है कंपोनेंट्स को। तो ये बड़ा कह लें कि क्लेवरली डिजाइन ये सिस्टम है जो इंस्टॉल्ड है। जी प्लीज बिलाल। अच्छा, तो अब आते हैं बात, जैसे पहले किसी ने अर्ज किया था कि सीएमएस और जितने भी यहाँ पे सर्न पे एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें सेफ्टी पे बहुत जोर देता है, चाहे वो पर्सनल की सेफ्टी हो जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं या इक्विपमेंट की सेफ्टी हो, क्योंकि द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आर इन मिलियंस। आपके पास बहुत ज्यादा पैरामीटर्स हैं, तो हम मुख्तलिफ किस्म के, जैसे मैंने पहले बताया, हाई वोल्टेज कैसेस, हर किस्म की टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे डिप्लॉय किए हुए हैं। तो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट, ये बहुत जरूरी है कि हम सेफ्टी पे बहुत जोर दें। तो इसके लिए मैं छोटी सी एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये लाल बत्ती लगी हुई है, उसके नीचे इत्तेकोन का एक निशान है जिसमें एक बंदा जो ऐसे पड़ा हुआ है जैसे बेहोशी के आलम है। अगर ये लाइट ब्लिंक करती है, इसका मतलब है कि इस एरिया के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। वो किसी वजह से भी हो सकती है, आग से आग लग जाए, या फॉर एग्जाम्पल कोई गैस लीक है, या जिस किसी भी वजह से। तो इस केस में हमें क्या करना होता है कि हमें इन रेड कैबिनेट्स के अंदर ये इस तरह के मास्क पड़े हुए हैं, या मेरी कोलीग आपको दिखा रही हैं रेड कैबिनेट्स, और इनमें इस तरह के मास्क पड़े होते हैं। तो ये जो भी लोग यहाँ नीचे आते हैं उनको ये ट्रेनिंग करवाई जाती है, इट्स मच लाइक ए स्कूबा मास्क। तो हम ये करते हैं कि अपने नोज को क्लोज करते हैं, आईज को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वी ब्रीद इन टू दिस बैग एंड वी गेट ऑक्सीजन बैक। सो होता क्या है कि ये आपके लंग से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है एंड इट प्रोड्यूसेस द ऑक्सीजन बैक। तो आपके पास 30 से 40 मिनट होते हैं टू हैव ऑक्सीजन, और आप इजिली इस एरिया को इवैकुएट कर सकते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे सीएमएस में नीचे या किसी भी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में काम कर रहे हैं, क्या ऐसी फैसिलिटी में काम कर रहे हैं जहां पे पॉसिबिलिटी है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की, तो उनको ट्रेनिंग करवाई जाती है कि वो इस स्कूबा मास्क को यूज करें, इस तरह स्कूबा मास्क, और कह रहा हूँ इसको सेल्फ रेस्क्यू मास्क बोलते हैं हम इसको, इसको यूज करें और मेक श्योर करें कि वो सेफ हैं ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन विच ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इज हैपनिंग। अच्छा, मेरे पीछे एक दरवाजा देख रहे हैं, ये दरवाजा आपको लेके जाता है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की तरफ। नाउ अनफॉर्चुनेटली हम अंदर नहीं जा सकते हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। एलएचसी ऑपरेट कर रहा है, हमें अलाउड नहीं है इस वक्त, हम आपको ये एलएचसी की टनल नहीं दिखा सकते, बट बिलीव मी इसके पीछे जो है वो एलएचसी टनल है। यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास सीएमएक्स एक्सपेरिमेंट है। मैं आपको जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए कि भाई एलएचसी टनल कैसे दिखती है, तो ये उसकी एक रियल साइज पिक्चर है। आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह का एक ब्लू पाइप है जिसकी जो लेंथ है वो 27 किलोमीटर की है, और इस तरह का वो नजर आता है, और जिसमें प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट किया जाता है। नाउ पहले भी ये एक सन एक्सेलरेटर कॉम्प्लेक्स का एक खाका आपने देखा था, स्कीमेटिक डायग्राम, हल्की सी एक्सप्लेनेशन, जैसे कि ये मैंने पहले बताया था कि स्टार्ट लिनक्स से करते हैं, फिर बूस्टर में जाते हैं, फिर पीएस एसपीएस एंड देन फाइनली एलएचसी। सो यू कैन सी कि कैसे जो प्रोटॉन्स की या पार्टिकल्स की रफ्तार है वो इन एवरी सर्कल इंक्रीजिंग। तो पहले 31.4% होती है विद ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, फिर 91, फिर 99, फाइनली एलएचसी में 99.79% ऑन एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन जो है काइनेटिक एनर्जी, वो 7 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू द स्पीड ऑफ द लाइट। और फिर कुछ इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स हैं जो मैं पहले बता चुका, 27 किलोमीटर है। अब ऑपरेटिंग टेम्परेचर ये -271 सेल्सियस है। नाउ इमेजिन के एक तरफ तो हम पार्टिकल्स को कोलाइड करवा रहे हैं विद सच अ बिग सेंटर ऑफ मास एनर्जी, तो उन कोलिजन्स जो इन्वायरमेंट बन रहा है वो बिग बैंग का इन्वायरमेंट बन रहा है, सो विच मीन्स के मिलियंस ऑफ डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो दूसरी बात यह है कि दूसरी तरफ हम इतने लो टेम्परेचर्स की भी बात कर रहे हैं एलएचसी के अंदर जो इन डाइपोल्स को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दिस टू एक्सट्रीमिटीज लेट्स से ये जो है मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है।
फिर क्या मटेरियल यूज हुआ है, फिर डायपोल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, और ये तो मैं पहले बता चुका कि डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन बंचेस जो है वो 25 नैनोसेकंड या 7 मीटर होता है। अब ये डिजाइन ल्यूमिनोसिटी जो एलएचसी की थी ना वो 10^34 पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, पर तो सेंटीमीटर स्क्वायर बिलाल, ये मैंने इनको कहा था, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा तो ये अगर इसको आप इमेजिन करें यूनिट से तो ये क्या कहते हैं कितने स्क्वायर मीटर के अंदर कितने पार्टिकल्स 1 सेकंड में मूव कर रहे हैं, ये सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी उसकी। नाउ अब हम एंटर हो रहे हैं एक हाई ल्यूमिनोसिटी एलएचसी एरा के अंदर। इसका मतलब यह है कि ये जो ल्यूमिनोसिटी है ये 5 से 7 गुना इंक्रीज हो जाएगी। तो जब ये इंक्रीज होगी इसका मतलब है कि ज्यादा कोलिजन्स होंगी कम अमाउंट ऑफ टाइम में। इसका मतलब है कि हमारी जो रेडिएशन इन्वायरमेंट है वो और ज्यादा डेंस हो जाएगा। तो हम अपने तमाम तरह एक्सपेरिमेंट्स को उसी हिसाब से अपग्रेड करेंगे। तो एक्चुअली वी आर गोइंग थ्रू मैसिव अपग्रेड इन सीएमएस इन ऑल द एलएचसी एक्सपेरिमेंट्स एक्चुअली। तो आइडिया ये है कि हम अपने आप को हाई ल्यूमिनोसिटी एलएचसी के लिए तैयार करें। और फिर ये नंबर कितने प्रोटॉन्स पर बंचेस हैं ये अगर आप देखें तो 10^11 प्रोटॉन्स हैं एक बंच के अंदर। तो ये नहीं होता कि जब हमारे पास एलएचसी में दो बंच क्रॉसिंग हो रही हैं तो आपके पास एक प्रोटॉन आ रहा है और आपस में एक दूसरे की टक्करें मरा रही है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, 10^11 प्रोटॉन्स एक तरफ से आ रहे होते हैं दूसरी तरफ से आ रहे होते हैं, कुछ कोलाइड करते हैं कुछ जस्ट सिंपली पास थ्रू ईच अदर, और कुछ बेसिकली इलास्टिक कोलिजन भी होती हैं, इन इलास्टिक कोलिजन भी होती हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के आपके पास रेडिएशन इन्वायरमेंट बनता है। ये नंबर मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। एलएचसी 27 किलोमीटर का है जैसे मैंने आपको पहले बताया। 1 सेकंड के अंदर प्रोटॉन्स 11,245 टर्न्स मारते हैं अराउंड 27 किलोमीटर सर्कमफ्रेंस। सो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी जो कोलिजन रेट है वो कितना ज्यादा होगा, और हमारी जो लेट से बैक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है या फ्रंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है जो डेटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है वो उसका रिस्पांस टाइम कितना फास्ट होना चाहिए कि एक आई है उसका डेटा कलेक्ट किया अपने आप को क्लियर किया नेक्स्ट के लिए रेडी किया। तो जो जितने भी हम बेसिकली फ्रंट एंड और बैक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोसेसिंग टाइम यूज कर रहे हैं उसके लिए बड़े ही हाईली स्पेशलाइज्ड किस्म की एफपीजीएज और प्रोसेसर्स यूज होते हैं जो बहुत क्विकली डाटा को प्रोसेस करके उसको सेंड करते हैं टुवर्ड्स द ग्रिड और व्हाटएवर। तो ये इस वजह से समझने के लिए कॉमन मैन के लिए एक बड़े ही इंटरेस्टिंग नंबर है। 11,245 टर्न 27 किलोमीटर के सर्कमफ्रेंस में 1 सेकंड के अंदर, दैट इज वेरी फास्ट। अच्छा फिर मैं यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाता चलूँ। आप सोच रहे होंगे कि प्रोटॉन्स आते कहाँ से हैं। प्रोटॉन्स के लिए एक यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की बोतल है विच इज एक्चुअल साइज, दिस इज द एक्चुअल साइज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस में अगर आप उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो यू गेट लाइक अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ प्रोटॉन्स फॉर द रेस्ट ऑफ द एलएचसी ऑपरेशन लेट्स से। तो होता यह है कि हम हाइड्रोजन गैस में जस्ट प्रोटॉन, हाइड्रोजन क्या है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को चॉप ऑफ कर दें, आयनाइज कर दें, आपके पास वेरी नाइस पीस ऑफ हाइड्रोजन, फिर उनको कंबाइन करके बंचेस में डाल के दो, फर्स्ट लीनियर एक्सेलरेटर से एक्सेलरेट करवा के स्टेप बाय स्टेप एलएचसी को प्रोवाइड किया जाता है। इस सारे प्रोसेस में लेट्स से फ्रॉम द इंजेक्शन ऑल द वे टू द कोलिजन ये आपके पास कोई तकरीबन 40 मिनट टू 1 घंटा, डिपेंड्स के किस तरह की बंच टेरेन्स हैं या किस तरह की बंच स्पेसिंग है, उन सारे चीजों को सामने रखते हुए तकरीबन 40 मिनट से लेकर 1 घंटा तक फाइनल कोलिजन तक लगता है। आपका कोई सवाल हो तो आप ले आप कर सकते हैं। देर आर सम क्वेश्चन, अगर मैं पढ़ देता हूँ अगर तुम आंसर देना चाहो में से किसी का तो। श्योर श्योर, आप आंसर करें बिल्कुल। मेरा ख्याल है ये अच्छी जगह है ये। बिलाल, अगर आप ये मैग्नेट दिखा सके। अच्छा चले, आप सीएमएस की तरफ चलेंगे। अच्छा, जो ज्यादातर क्वेश्चन वो मैंने पढ़े अभी अहमद, तो अच्छा ऐसा होता है जी, एक अच्छा, एक क्वेश्चन सेकंड एक सेकंड, मुझे बस यह फाइनलाइज करना, वही मैं यहाँ फाइनलाइज से आंसर करते करा सीएमएस, दूँ फिर आते हैं तो फिर क्वेश्चन पे। उसके बाद हम क्वेश्चंस लेते हैं। तो ओके बेसिकली अगर आप ये मेरे सामने देख रहे हैं एक दरवाजा, तो इस वक्त ये एक येलो लाइट ब्लिंक कर रही है विच कह रही है विच इज सेइंग डेंजर मैग्नेटिक फील्ड यू कैन नॉट गो एंट्री इज क्लोज। यहाँ पे ये लाल रिबन भी लगा हुआ है।
तो बुनियादी तौर पर नो एक्सेस। सो यहाँ पे एक ये एंट्री क्लोज है, दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन वेयर वी कुड शो यू टुडे। अनफॉर्चुनेटली हम एक्सपेरिमेंट में नहीं जा सकते, एंड द मेन आइडिया इसके जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो इस वक्त रन कर रहा है, तो उसके अंदर अलाउड नहीं है। तो लिटिल बिट जो है मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है। आज हम ये कर रहे हैं कि हम अपने मैग्नेट को रैंप डाउन कर रहे हैं, तो इस वजह से इतनी बेहतर तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को नहीं मिलेगी, और ना ये जो पेपर क्लिप देख रहे हैं इसमें बड़ी क्लियर किस्म की बेंडिंग नजर आती है। सो वी आर बिकॉज ऑफ द टेक्निकल स्टॉप वी आर गोइंग टू हैव फ्रॉम लेट्स से इन कपल ऑफ डेज, तो उसमें ये होता है कि उसके लिए हमने अपने मैग्नेट को ऑफ किया है, तो ये इस तरह के टेक्निकल स्टॉप That's a या pity इस तरह that the के magnet is ramping down. Yeah. या मैग्नेट इज रैंपिंग डाउन, सो या वी डोंट हैव मच ऑफ Yes. मैग्नेटिक फील्ड, No, इट्स अ but पीटी। या still you can या see वी स्टिल वी कैन something. सी दैट दिस देयर आर So, सम समथिंग स्टिकिंग अप हियर, ये आप देख सक रहे हैं। पेपर क्लिप्स अभी भी दीवारों को चिपक रहे हैं। ऑलरेडी हम तकरीबन 10 मीटर दूर हैं मैग्नेट से, और बीच में काफी बड़ी कंक्रीट है, तो स्टिल ये वी एक्सपीरियंस अ लिटिल बिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर। तो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी। तो इमेजिन के जब फुली मैग्नेटिक मैग्नेट ऑपरेट हो रहा होता है, आई हैव बीन देयर इनसाइड, तो अगर आप किसी भी किस्म का कोई मेटल इक्विपमेंट अपने साथ लेके जाते हैं तो इट्स बेसिकली फ्लाइंग इन द एयर। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे. तो एक कुछ अच्छे क्वेश्चन रेज हुए हैं, तो एक एक क्वेश्चन अच्छा, उसमें हम दो तीन चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी कि हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि प्रोटॉन्स डिटेक्टर के अंदर ही कोलाइड हो रहे हैं. तो इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं इसके. नंबर वन तो ये है कि जो दो बीम जा रही हैं क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, तो वो जो ट्यूब है, अभी बिलाल आपको फोटो भी दिखा सकते हैं, तो उसके अंदर अल्ट्रा हाई वैक्यूम है. पहले तो ये इंश्योर किया जाता है कि जो प्रोटॉन जा रहे हैं वो विद इन वैक्यूम हो, ताकि वो पाइप या कहीं और किसी भी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट ना करें. एक तो वो तो अल्ट्रा हाई वैक्यूम में जा रहे हैं, ये जो मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने तो बेसिकली ये होता है कि जो प्रोटॉन्स की दो बीम्स हैं वो ये नहीं है कि एक ही पाइप के अंदर एक ही जगह पे जा रहे हैं, वो बेसिकली दो सेपरेट बीम लाइंस होती हैं, एक इस तरफ को जा रही है दूसरी इस तरफ को जा रही है, कंप्लीटली इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि जब जो कोलिजन पॉइंट्स के अलावा कहीं पे वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाए, तो वो सारे के सारे सेपरेट सेपरेट लाइंस में चल रहे होते हैं। ओनली एट स्पेसिफिक पॉइंट जहां पे हमने कोलाइड करवाना है, तो हम कॉलिमेटर्स को इस्तेमाल करते हुए इन दोनों बीम लाइन को एक दूसरे की डायरेक्शन में अलाइन करवाते हैं ताकि वो कोलिजन कर सकें। वाइल इन ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ द एरिया आपके पास ये दो सेपरेट लाइंस में चल रही होती हैं, कंप्लीटली सेपरेट लाइंस, बिल्कुल. तो वो और वो मैग्नेट्स चार जगह वो है हैं जहां जैसे पे कि जो भी एक्सपेरिमेंट है, बेसिकली मैग्नेट्स हैं चार। एग्जैक्ट, ये एग्जैक्टली. तो मैग्नेट्स ऐसे हैं वहां पर, वो उनको अलाइन करते हैं डायरेक्शन में बिल्कुल डिटेक्टर्स में इंटर होने से पहले. तो वो जैसे आप फिगर में देख रहे हो, तो वहां पर वो हेडन होती है राइट एट द हार्ट ऑफ द डिटेक्टर. जो तो बिल्कुल डिटेक्टर के सेंटर में कोलिजन होती है. फिर जैसा कि अभी बिलाल ने एक्सप्लेन किया, फिर वो बंच में से कितनी हेड ऑन आएंगे, कितनी फिर वो फिर वो नंबर अभी बिलाल ने जो शेयर किए, तो वो फिर उससे जो पार्टिकल जनरेट होते हैं उस एनर्जी से, और फिर वो डिफरेंट डिटेक्टर्स उनको डिटेक्ट करते हैं. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि फिर वो उनको कैसे ये पूरी डायनामिक्स डेटा की हैंडलिंग की. तो आई गेस वो क्वेश्चन ये है कि जब एक दफा कुलियन होगी, उस एनर्जी से पार्टिकल बने, वो डिके हुए फर्दर अब जा रहे हैं, अब वो मुख्तलिफ डिटेक्टर ने पार्टिकल को किया डिटेक्ट. तो आई गेस क्वेश्चन ये है कि कैसे हम डेटा लेते हैं. तो आप इमेजिन करें कोई एक डिटेक्टर है, उसका जो भी मैकेनिज्म है, गैसियस डिटेक्टर है तो अंदर आयनाइजेशन होगी, या उससे लाइट, जो 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 भी डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी, गो अपस्टेयर्स। वो जो चार्ज, वो जो डेटा, वो जो सिग्नल्स वहां पे जनरेट होते हैं, तो वहां पे ऑन डिटेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है जो उसको प्रोसेसिंग करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है सिग्नल्स को, एम्पलीफाई करती है. फिर उसके अपने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, मॉडर्न ऑफ कोर्स ऑप्टिकल प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, को उसको फिर डिजिटाइज करके डेटा को जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू भेजा जाता है. फिर बिलाल ने आपको दिखाया कि वो फिर डिटेक्टर से जाते हैं ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिर ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स के लेवल पे वहां पर ट्रिगर्स हैं जहां पर डिफरेंट एल्गोरिदम्स लगे हुए हैं. तो ये सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं. मिसाल के तौर पे अभी हम जो सर्टन जो टाइप के बोर्ड्स, कुछ हमारे कस्टम मेड हैं, यूएस में बने हैं, कुछ चाइना में बने हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज जो कॉमनली यूज होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे माइक्रो टीसीए बेस्ड जो कार्ड्स हैं, तो वो उनके कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होते हैं, तो वो
अभी हो रहे हैं, फ्यूचर के लिए अभी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। हम फॉर एग्जांपल जो स्पेसिफिकली मेरा डिटेक्टर है, हम एक सेरेनिटी कंसोर्टियम हमने बनाया है और उसमें हम एक और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, डेवलप हो रही है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से आगे आ जाती है कंप्यूटिंग, फिर कंप्यूटिंग में ऑफकोर्स फिर यहाँ पे डेटा कंट्रोल सेंटर, आईटी सेंटर है, वहां से जाता है सन के उस पर, सन से फिर वो जाता है दुनिया के डिफरेंट टीयर्स पे, इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा है तो एनालिसिस वहां रन होता है। तो मेरा ख्याल है क्वेश्चन मेहर, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया के ये लोगों के लिए, मैं इस वक्त आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ कि हम कितने नीचे हैं। हम तकरीबन 88 मीटर नीचे हैं, सीएमएस तकरीबन 100 मीटर जेर जमीन है, थोड़े से हम ऊपर हैं, बट आप इसमें देख रहे होंगे कि यू सी सम लाइट कमिंग फ्रॉम द सरफेस। तो टू गेट एन आइडिया कि कितना नीचे है एक्सपेरिमेंट, ये मैं अपने ऑडियंस को दिखाना चाह रहा था। To get this feeling के CMS experiment it's quite quite down, quite deep in the तो ऐसा ऐसा फील होता है जैसे हम किसी खूह के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और एक मजे की बात सबसे शेयर करते चलें, ये तो खैर एक नॉर्मल रूटीन की हमारे लिए, तो ये जो डोर आपको नजर आ रहा है ये फायर डोर है, और अंदर अब ये जो एरिया है और जो एलिवेटर है ये इसको हायर प्रेशर पे रखा गया है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जनरली मिसाल के तौर पर आग लग जाए तो हम एलिवेटर नहीं लेते, हम सीढ़ियां लेते हैं, यहाँ पे उल्टा है। वायद ये एक जगह है, चूंकि अब आप 100 मीटर नहीं जा सकते स्टेयर्स के थ्रू, तो ये जो जगह है अगर बाहर कोई फायर है कुछ भी है तो इसको हायर प्रेशर पे रखा गया एलिवेटर को और ये एरिया इन फ्रंट, सो ये फायर सेफ है, हाई प्रेशर पे है तो ये सेफ है, तो इमरजेंसी में आप एलिवेटर लेंगे, आप स्टेयर्स नहीं लेंगे, तो ये बड़ा इसका एक डिफरेंट एक नॉर्मल प्रोसीजर से बात है। अच्छा अभी मेरा हाल है बिलाल लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए चूंकि अब वो ऊपर आ रहे हैं, तो और क्या क्वेश्चन थे, ये मेरा ख्याल है क्लियर है ये क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द न्यूट्रिनोज आर डिटेक्टेड एंड न्यूट्रल पार्टिकल आल्सो इफ यू वांट टू स्पीक। जी जी अहमद आप बोलें इस पे, इन द मीन टाइम मैं बाकी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ओके आई मीन जब हमने सारे डिफरेंट पार्टिकल का ये अभी भी हम वो पिक्चर शेयर कर रहे हैं, बताया था कि कैसे वो एंटर होते हैं कैसे डिटेक्टर में। आई मीन पहले तो आप देखते हैं कि जो पार्टिकल है वो दो टाइप के होते हैं, न्यूट्रल और चार्ज। जो चार्ज हैं वो बेंड होते हैं, जब वो बेंड होते हैं हम उनका मोमेंटम मेजर करते हैं। जो न्यूट्रल पार्टिकल हैं जैसे कि ये एक ट्रैक ग्रीन वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड से सीधा गुजरते हैं, तो इनका मैग्नेट मोमेंटम मेजरमेंट नहीं होती। लेकिन आगे जो दो किस्म के कैलोरी मीटर्स हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैलोरी मीटर और एक एक हेड्रॉनिक कैलोरी मीटर, तो बेसिकली उनमें इन पार्टिकल को स्टॉप किया जाता है। ये डेंस मटेरियल है, तो जब ये इसमें एंटर होते हैं तो पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज करता है, वो लाइट में कन्वर्ट होती है, वो वहां पे डिपॉजिट हो जाती है सारी। तो इस तरह जो है वो आप इवन द पार्टिकल न्यूट्रल भी है आप उसका मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन कैलोरी मीटर में फाइनली उसको जो है वो डी एक्सीलरेट करके उसकी एनर्जी मेजर कर ली जाती है। अच्छा अब बात आ गई न्यूट्रिनोज पे, तो जो न्यूट्रिनोज हैं वो बहुत वीकली इंटरेक्टिंग है, वो हमारे डिटेक्टर से एस्केप कर जाते हैं। जितना भी जो आपको मैकेनिज्म दिखाया इसमें न्यूट्रिनो कहीं भी नहीं है, एक तो वो न्यूट्रल है और दूसरा वो वेरी वीकली इंटरेक्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज करते हैं कि जब बीम कोलाइड करती है तो हम कहते हैं कि सिर्फ एक एक्सिस पे है, दूसरे एक्सिस पे जो है वो कुछ भी नहीं। तो अगर आपको डिटेक्टर में कुछ ऐसा मिला है कि फॉर एग्जांपल इनका जो टोटल सम है वेक्टोरियल सम डिटेक्टर में वो जीरो होना चाहिए, अगर आपको कोई एक पार्टिकल अपवर्ड जो है वो मिला है लेकिन डाउनवर्ड डिटेक्टर में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स के बेसिकली वो सम अप जीरो होना चाहिए। सो आप अज्यूम करते हैं कि वो न्यूट्रिनो या वो एस्केपिंग पार्टिकल थे जो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में उसी मैग्नीट्यूड के साथ जो है वो एस्केप हुए हैं। तो अगर आप कंजर्वेशन का प्रिंसिपल यूज करें न्यूट्रिनो के अलावा बाकी सारे आपने डिटेक्ट कर लिए हैं और उसका वेक्टोरियल सम जो है वो आपको न्यूट्रिनो की डायरेक्शन और मिसिंग मैग्नीट्यूड दोनों बता देगा। अच्छा इन द मीन टाइम एक ग्लोबल वार्मिंग की क्वेश्चन है अहमद, उस पर मैं आंसर करता हूँ, आप इसी फ्लो में ये भी बता दें, क्वेश्चन ये है कि हम प्रोटॉन्स को यूज क्यों करते हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन या जो वो कोलाइडर्स भी एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्यों नहीं करते। आई मीन प्रिंसिपली इलेक्ट्रॉन पॉजिटॉन कोलाइडर भी हैं दुनिया में, प्रोटॉन कोलाइडर भी हैं, इवन मियोन कोलाइडर पे भी बात होती। सो
बेसिकली आप दूसरे पार्टिकल भी कोलाइड कर सकते हैं, और ऐसे एक्सीलेटर हैं दुनिया में जो दूसरे पार्टिकल को कोलाइड करते रहे। इसी टनल में जहां अभी सन प्रोटॉन प्रोटॉन कोलाइड कर रहा है, इससे पहले यहाँ लेप्टॉन कोलाइडर था। तो डिफरेंस ये है, लाइक प्रोटॉन कोलाइडर को जनरली जो है, क्योंकि प्रोटॉन जो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करके ज़्यादा, आई मीन उसके अंदर क्वार्क्स भी होते हैं, लार्जर पार्टिकल है, तो प्रोटॉन को डिस्कवरी मशीन कहा जाता है। अगर आपने, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग न्यू, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोड्यूस करने की प्रोटॉन्स कोलिजन्स में ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मशीन्स जो हैं वो क्लीन होती हैं, उसमें बैकग्राउंड कम होता है, इलेक्ट्रॉन पॉइंट लाइक पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉइंट लाइक पार्टिकल नहीं है। सो बेसिकली दोनों किस्म के एक्सीलेटर होते हैं डिफरेंट मशीन्स, डिपेंडिंग व्हाट यू वांट टू डू, जो आप करना चाहते हैं उसके लिए। एक केस में हो सकता है आपको मैं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलाइडर जो है वो ज़्यादा सूटेबल हो, इन अदर केस इट में बी प्रोटॉन कोलाइडर जो है वो ज़्यादा सूटेबल हो। बिल्कुल। और अच्छा, एक और क्वेश्चन आया ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट के ऊपर। तो अच्छा हाँ, ये बात ठीक है जी। इस वक्त सन जो है दुनिया, ये जो लार्ज गैलेक्सी है सबसे, इसकी जो कह लें कि सबसे मोस्ट पावरफुल कोलाइडर है, और इसकी जो हाईएस्ट एनर्जी जो एवर अचीव ने जो जो इस पे, इससे पहले शायद सा हाईएस्ट एनर्जी थी अपने टेवाट्रॉन की जो यूएसए में था, वो तकरीबन 2 मेरा ख्याल है टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो हमारी कोलिजन अभी जो हो रही है वो सेंटर ऑफ मास पे अराउंड 14 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। तो ये बात ठीक है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, अच्छा मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का ये है ना कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अब जो हमारे डिटेक्टर है जो गैसियस डिटेक्टर्स है, तो ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट हमारी तरफ से ये हो सकता है कि अगर हम ऐसी गैसेस यूज करते हैं जिनका जो ग्रीन हाउस पोटेंशियल है वो बहुत हाई है, तो GWP जो हम वैल्यू कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे डिटेक्टर्स हैं उसमें हम फ्रियोन और SF6 यूज करते हैं, तो इनका इन्वायरमेंटल पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है कंपेयर टू CO2 और सारे ना। तो हम फिर अब हम उसमें फिर हम इसको कर ये रहे हैं कि हम डेडिकेटेड R&Ds कर रहे हैं, तो हमारे पास सन के अंदर कुछ फैसिलिटीज हैं जहां पर हमारे पास टाइम टू टाइम हमें टेस्ट बीम्स मिलती हैं, फॉर एग्जांपल म्यूऑन डिटेक्टर्स के लिए हमें हाई एनर्जी म्यूऑन बीम मिलती है। फिर हमारे पास वहां पे सोर्सेज हैं जहां से हम आर्टिफिशियल बैकग्राउंड जनरेट करके LHC लाइक कंडीशंस प्रोड्यूस करते हैं, तो और वहां पर हम R&D करते हैं। तो R&D ये करते हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल उन गैसेस का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं विद इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैसेस, तो दिस इज वन ऑफ द वे। तो हमारा प्लान है कि HLLHC में जाने तक हम जो 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 डिटेक्टर जो हाई ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट वाली गैसेस यूज कर रहे हैं उनको रिप्लेस कर दें उन गैसेस के साथ कि जिनके इंपैक्ट बहुत कम है। इसी तरीके से हर डोमेन में तो इस तरह की स्ट्रेटेजीज अपनाई जा रही हैं कि हम इसको किस तरीके से मिनिमाइज करें इस इंपैक्ट को। तो ये एक वन ऑफ द आप कह लो कि की एस्पेक्ट है इसका। लेकिन इन जनरल जैसे कि आपको आइडिया है कि सन टेक्नोलॉजी क्रिएट करता है, तो फॉर एग्जांपल आज से 40 साल पहले प्रैक्टिकली पॉसिबल था, लेकिन आपके पास एक्सेलरेटर नहीं था, आपके पास इतनी रिफाइंड RF कैविटीज नहीं थी ऐसे कि एक्सेलरेट कर सके आप इतनी हाई स्पीड पे, आपके पास अल्ट्रा हाई वैक्यूम का ये सेटअप नहीं था, आपके पास सुपर कंडक्टर ये मैग्नेट्स इतने पावरफुल नहीं थे, आपके पास ये डिटेक्टर्स ये फास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ये नहीं था। तो ये चीजें बिल्कुल तो वो भी इसी का पार्ट है कि फ्यूचर R&D है, तो उस पे काम साथ साथ चल रहा थैंक यू वेरी मच मेहर फॉर है। आंसरिंग। पैनलिस्ट से भी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो तो लाइन में है सारे पैनल। इसके अलावा कोई अगर लोकल रूम से कोई क्वेश्चन है तो दैट इज आल्सो वेलकम। हम यहाँ से तो ले रहे हैं जूम से क्वेश्चन, लेकिन अगर रूम से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो ऑन। अगर बच्चे आपके पास कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। जी जी स्टूडेंट्स को इनकरेज करेंगे हम ज़्यादा। आप इसको विजिट करना चाहते हैं तो वो भी कह सकते हैं। हाँ नहीं, अच्छा इस पे भी, बल्कि बिलाल कितना टाइम है हमारे पास, क्योंकि स्टूडेंट से ये आखिरी कुछ मिनट बात करना जरूरी है कि अपॉर्चुनिटीज क्या पॉसिबल है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी कितना टाइम रह गया, फाइव हाउ मच टाइम वी हैव लेफ्ट टोटल। टेन मिनट्स मैक्सिमम। हाँ ओके, तो मैं फिलहाल इंडीड वी कैन कंटिन्यू इफ देर आर क्वेश्चंस। आई तो विल आई गेस नॉट 10 मिनट्स नीड वुड बी इनफ, टू लीव 10 मिनट्स वुड बी जस्ट इनफ आई मी। थिंक सो। थैंक यू वेरी जॉल्टन, थैंक यू।
अच्छा तो सर इजाजत दें तो मेरा ख्याल है फिर इस टॉपिक पे आ जाएं, चूंकि स्टूडेंट्स के साथ ना अपॉर्चुनिटीज के हवाले से। बिलाल और अहमद साहब ये ठीक है या कोई और बात करनी है, या हम आ जाएं ये अपॉर्चुनिटीज के हवाले से आ जाएं? क्या जी जी गो ऑन शाह साहब। मैं अच्छा चले तो अच्छा, अब दो तीन चीजें हैं जी। एक तो ये है कि चूंकि सर्न के अंदर जैसे अभी आपने देखा कि मल्टीपल कोलेबरेशंस हैं, तो एक तो यह है पाकिस्तान एज अ कंट्री सर्न का एसोसिएटेड मेंबर है 2016 से, तो उस फ्रेमवर्क के नीचे जो हमारे कोई भी पाकिस्तानी पासपोर्ट नेशनल्स हैं, पासपोर्ट होल्डर्स, वो किसी भी सर्न प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम्स क्या हैं? बैचलर जो स्टूडेंट्स हैं या उससे भी नीचे का जो लेवल है वहां पर इंटर्नशिप्स हैं जो पूरा साल ओपन होती हैं। अच्छा, बाकी प्रोग्राम साल में दो दफा अनाउंस होते हैं। एक टेक्निकल स्टूडेंट प्रोग्राम है, अच्छा टेक्निकल स्टूडेंट प्रोग्राम मास्टर्स और बैचलर स्टूडेंट्स के लिए एक साल का प्रोग्राम है, मैक्सिमम 14 मंथ्स, और वो है मल्टीपल डोमेन्स में। चूंकि आप सन में देखिए 25,000 लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ फिजिसिस्ट नहीं, बल्कि मजे की बात यह है कि ज्यादातर पोजिशन टेक्निकल एरियाज में है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, केमिकल हो, फिर उसके अंदर आपका आईटी में पोजीशंस हैं, और अच्छा उसके अंदर आपका फिर इवन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टूडेंट प्रोग्राम है, चूंकि आपका यहाँ पे लॉ के डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंस के डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग के हैं, लाइब्रेरी है, तो इन सारे एरियाज में सर ने प्रोग्राम डिजाइन किए हैं ताकि लोग बच्चों को एक मौका मिले एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में एक्सपीरियंस लेने का। तो ये साल में दो दफा अनाउंस होते हैं ये प्रोग्राम, फुली पेड बाय सर। फिर डॉक्टर स्टूडेंट प्रोग्राम है, फिर उसके बाद आपकी फेलोशिप्स हैं, फिर लिमिटेड ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये पाकिस्तान के एसोसिएटेड मेंबरशिप के फ्रेमवर्क में, चूंकि पाकिस्तान 2 मिलियन के करीब सालाना फी पे करता है, और वो तो एक एक ये मॉडल है। अच्छा, उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आती है तो कोटा शायद फिल हो जाता है थोड़े अरसे के लिए, लेकिन वो फिर से ओपन हो जाता है। उसके अलावा जो दूसरा मॉडल है जिसकी आपके सामने हम एग्जाम्पल्स बैठे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि ये अहमद अभी यहाँ बैठे हैं, वो पाकिस्तानी है, लेकिन अहमद पोस्ट डॉक्टर फेलो हैं यूएसए के जो सीएमएस प्रोग्राम है एक यूनिवर्सिटी के। बिलाल यहाँ पर बैठे हैं, तो बिलाल साइंटिस्ट हैं एक इटली के एक इंस्टीट्यूट के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ तोरिनो, तो वो है पाकिस्तानी नेशनल्स। एम्प्लॉयज हैं वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के, उन यूनिवर्सिटीज या उन कंट्रीज के सन के साथ प्रोग्राम्स हैं, तो वो पाकिस्तान वो सन अम्ब्रेला के अंडर नहीं है ये लोग। अब ये लोग इटालियन आईएनएफएन या वो यूएस सीएमएस के प्रोग्राम के अंडर, तो इसी तरीके से जो पोजीशंस हैं जो मुख्तलिफ ग्रुप्स में अनाउंस होती हैं, चूंकि वो सन के साथ पाकिस्तान में, तो अभी चीजें जरा स्लोली आपको पता है वो टाइम लेती हैं मेच्योर होने में, लेकिन इन कंट्रीज ने बड़े मेच्योर मॉडल अडॉप्ट किए हैं, तो उसके अंडर तो आप लोग इनको भी सर्च करते रहें कि यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम्स, इंस्टीट्यूट्स के प्रोग्राम्स सन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। अब आप देखें अहमद या बिलाल बैठे हैं, ये दोनों सन बेस्ड है फुल टाइम। अहमद यूएस के पोस्ट डॉक फेलो, वो कभी यूएस गए भी नहीं है। तो ये वो प्रोग्राम्स हैं जो इन कंट्रीज ने सन स्पेसिफिक, और इनकी बहुत ज्यादा ये लोग हायरिंग करते हैं, तो वो भी उसमें मेनली ज्यादा पोजिशन पीएचडी की होती है, लेकिन तो वो भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से टाइम टू टाइम, जैसे मैं आया था यहाँ जब मुझे एक स्कॉलरशिप मिला था, तो उस वक्त पाकिस्तान एसोसिएटेड मेंबर नहीं था, तो वो सीएमएस के साथ पाकिस्तान के कुछ इंस्टीट्यूट हैं, तो बाज़ औक़ात वो पोजीशंस ओपन करते हैं कि आप क्या आपके लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं बाकी सबके साथ। तो ये एक इस तरह के मतलब मल्टीपल मॉडल्स हैं। तो पॉइंट ये है कि हमारे स्टूडेंट तो माशाल्लाह आजकल बड़े कंप्यूटिंग और इंटरनेट के साथ वो होते हैं। और अच्छे से वैसे मुझे याद आई ये मजे की बात कि इंटरनेट से कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये भी सन पे इन्वेंट हुआ था, ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, तो आइडिया यही था कि हमने कम्युनिकेट करना है, 100 ममालिक के लोग हैं मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए, इंटरफेस की रिक्वायरमेंट थी, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब 1990 में सन में इन्वेंट हुआ था। और टिम बर्टन ली साहब एक फिजिसिस्ट थे यूके के, और इसका कोई पेटेंट नहीं था ये, चूंकि सन का ये मोटिव है कि फ्री फॉर ऑल जो भी टेक्नोलॉजी है ना, तो वो उसका प्रोटोकॉल वो फ्री में दिया गया, HTTPS प्रोटोकॉल, इसका कोई पेटेंट नहीं था। तो पॉइंट ये है कि हमारे स्टूडेंट्स अब इस WWW को यूज करते हैं ऑफकोर्स बहुत ज्यादा, तो उसमें बस सर्च करते रहा करें, उसमें आपको इंस्पायर पे, और ये काफी आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी थ्रू यूनिवर्सिटीज और सन के सेंट्रल प्रोग्राम्स और ये सारे। ठीक है जी।
इस पे और कोई क्वेश्चन? मेरा एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है. राइट नाउ आई मीन नाउ डेज व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट यू ऑल आर कंडक्टिंग, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरा है जी, बिलाल और अहमद पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये अच्छा सवाल है। एक जी तो जी 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 आ रही है आवाज एक आपके. सवाल है जी सर। डॉक्टर जुबैर बात कर रहा हूँ, फिजिक्स डिपार्टमेंट से। जी और जी वाइस चांसलर में कुछ शेयर करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब भी इस इवेंट को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन एक मीटिंग थी HSC में जिस वजह से उन्हें जाना था। तो उनके जो वर्ड है वो कहते हैं कि बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस टूर को अरेंज किया, हमारी तरफ से भी और आपकी तरफ से पर्टिकुलरली। वेलकम सर. सेकंड, जो बेसिक थीम इस प्रोग्राम को कोलेबरेट करने के लिए किया गया, क्या कोलेबरेशन की तरफ हम जा सकते हैं, प्लस एसोसिएट मेंबरशिप के लिए क्या उर्दू यूनिवर्सिटी सर के साथ कोई अपना ऐसा भी वायदा कर सकती है, सर और समझ आया प्लस प्लस जी. स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स, इनके लिए जो कोलेबरेशन हो के इनको 3 मंथ या साल जो भी ट्रेनिंग है उसके लिहाज से बच्चों को मोटिवेट किया जा सके, क्योंकि तो इस प्रोग्राम में कोई ऐसे प्रोग्राम हम जो उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ शेयर किया जा सके। आपकी जी मैं जवाब दूं बिलाल? जी जी शाह साहब बहुत. अच्छा, सर इसमें आपके ना दो तीन चीजें हैं। नंबर वन, एक चीज जो कि इस वक्त मेरे लिए, आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, वो जो मैंने जिक्र किया, जो सन एज अ पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान एसोसिएटेड मेंबर है, तो उसमें तो कोई भी प्रोग्राम्स है ना, कोई टीचर एज अ स्टाफ पोजीशन या फेलोशिप या उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हर प्रोग्राम की फिर सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं, ये तो ओपन है सबके लिए। जहां तक बात है एक स्पेसिफिक आपके इंस्टीट्यूट की कोलेबोरेशन, ये थोड़ा सा मामला जो है ना, इसमें काफी होमवर्क चाहिए है। तो इसमें इश्यू ये है कि आपको उसके लिए, चूंकि जो सिर्फ ये जो मसला सन के साथ काम करने का है ना, कि सन है ये आपको पता है स्विस और फ्रांस और दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव तीन जगहों पे, और जो काम हो रहा है वो काफी हाईटेक, तो वो ये थोड़ी सी, इसको कुछ लोग कहते हैं कि भाई काफी लग्जरी साइंस है। इसके लिए ना फिर इन्वेस्टमेंट वाला वो जो पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कि आपको फंडिंग्स बहुत ज्यादा चाहिए होती हैं, तो उसमें तरीका ऑफ कोर्स हो सकता है, ये तो बड़ा वेलकम करते हैं, और पाकिस्तान का तो एक बहुत अच्छा एक क्रेडिबिलिटी है, तो बड़ी इजीली। तो होता ये है कि एक इंस्टीट्यूट अगर वो समझता है कि फ्यूचर में फंडिंग सिक्योर कर सकता है, तो उसमें होता ये है कि आप आ जाते हो किसी एक वन ऑफ द फोर एक्सपेरिमेंट्स के साथ, और उसके अंदर किसी एक डिटेक्टिव टेक्नोलॉजी के साथ आप वो करते हो साइन, और उसमें आप एज एन एसोसिएटेड मेंबर आ सकते हो। उसका तरीका ये होता है कि 2 साल के लिए आप फ्री हो, आपने कुछ इंटरनल फंडिंग रखनी है कि आपके एक दो लोग आते जाते रहें, ताकि उसका ये होता है कि आप ट्रेन हो जाएं, और 2 साल बाद फिर आप फुल मेंबरशिप लें। फुल मेंबरशिप लेने में फिर आपको वन टाइम फी पे करनी होती है, और फिर कंसिस्टेंटली आपको दो लोगों को पार्शली एंगेज करना होता है, इन द सेंस कि वो फिर ऑपरेशन में भी कॉन्ट्रीब्यूट करें, वो डेटा एनालिसिस में भी कॉन्ट्रीब्यूट करें, प्लस बाकी आप ओपन होते हो, आप जिस भी टेक्नोलॉजी में आना चाहो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। तो पॉइंट ये है कि ये इसके अंदर फिर ये फंडिंग्स वाला मामला आ जाता है। एक तीसरी ऑप्शन ये होती है कि आप अगेन पे नहीं करते हो, लेकिन आप 5 साल के लिए, उसको कोऑपरेटिव एसोसिएट बोलते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, तो ये आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि उस केस में फॉलो करें, जब आपको पता हो कि आपके पास फ्यूचर में आप फंडिंग सिक्योर कर सकते हैं, और उसमें आप अपना एक रोड मैप बनाएं कि हम इन सर्टन डिटेक्टिव टेक्नोलॉजीज में या एनालिसिस में या किस रिसर्च एरिया में हम काम करना चाह रहे हैं, तो डिटेक्टर में करना चाह रहे हैं तो कौन सा डिटेक्टर, फिर आपको उसकी लैब डेवलप करने के बारे में, तो एक पूरा प्रोग्राम कि लोकली हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम फिर साथ टाइम के साथ बनाएंगे, ये ग्रुप बनाएंगे, ये मशीन्स, ये लैब्स, ये ऑसिलोस्कोप्स, तो ये एक डायरेक्शन है। तो ये पूरा एक पॉसिबिलिटी है। जो दूसरी पॉसिबिलिटी है सर, वो ये है कि आप एग्जिस्टिंग जो कोई कोलेबरेशन पाकिस्तान से एग्जिस्ट करती है, उसके प्लेटफॉर्म से आप आए, तो फिर आपको ये नहीं करना, फिर आपकी इंटरनल सेटिंग है उनके साथ,
फॉर एग्जाम्पल एनसीपी सीएमएस का फुल मेंबर है, वन टाइम फी एनसीपी ने पे कर दी है, वो जो दो ऑथर्स की पर ईयर की जो रिक्वायरमेंट है वो एनसीपी पूरी कर रहा है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, उनसे कोलेबरेट करके आप सन की सारी कंप्यूटिंग नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, आप लोग भेज सकते हैं, लेकिन उसमें फिर फंडिंग्स लोकली देखनी होगी, या फिर एनसीपी के थ्रू जो मैंने आपको बताया था डिटेक्टर स्पेसिफिक जो कोलेबरेशन की पोजीशंस आती हैं, तो उसमें आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे, आपके लोग उनके लिए, इनको मुख्तलिफ नाम है इन पोजीशनों के, हमारे एनसीपी से लोग आते रहते हैं, पीएससी से भी आते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, हमारे आईटी के काफी लोग एनसीपी से आते हैं। तो एक मेरा ख्याल है आप ये काम करें, ये शायद एजाज भाई इसमें हेल्प कर पाए, चूंकि एजाज भाई के एनसीपी से बड़ा लिंक रहा है, तो अगर एनसीपी के साथ आप एमओयू साइन करें और आप लोग एज अ सीएमएस मेंबर हो जाएं थ्रू एनसीपी, और फिर थोड़ा सा जब आप को लगे कि अब हमारी चीजें मेच्योर हो रही हैं तो आप इंडिविजुअल अपनी फंडिंग की भी कोशिश करें इसमें। मैं वैसे मैंने बड़ी हम लोगों ने कोशिश की, अहमद बिलाल अंसर में हम सब ने बड़ी कोशिश की कि हम किसी तरीके से इसमें एचईसी को ऑन बोर्ड लाएं इस कोलेबरेशन में, ताकि फिर जो आप हमारी यूनिवर्सिटीज हैं वो डायरेक्टली इस अम्ब्रेला में आए, चूंकि अब चूंकि हम आपस में ही हैं, तो एक इंटरनल वीक पॉइंट ये है कि हमारा जो टेक्निकल इदारे इस कोलेबरेशन को देख रहे हैं तो उनकी टेक्निकल एरियाज में तो सोच है, लेकिन वो साइंटिफिक सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में ना काम वीक है, तो उसके लिए आप लोग भी अगर कोशिश कर सकें, एचईसी ऑन बोर्ड आए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आए, या आप लोग इंडिविजुअली फंडिंग किसी भी तरह से ले सकें कोई भी यूनिवर्सिटीज, और यूनिवर्सिटीज आगे आए, तो ये चीज ऑफकोर्स पाकिस्तान की जरूरत है, इसको हम हर फोरम पे फॉरेन ऑफिस के लेवल पे हमारी कोशिश कर रहे हैं, अभी तक तो बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं हुई, तो मे बी आप लोग वहां सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, एचईसी से आपका डायरेक्ट लिंक है, तो अगर आप किसी तरीके से इस तरह के किसी बड़ी बॉडी के थ्रू आ जाए ना, तो फिर चीजें लॉन्ग लास्टिंग और मेच्योर हो सकती हैं। बाकी नहीं, बहुत जिसमें आपसे शेयर करूंगा डिटेल्स के एसोसिएटेड मेंबरशिप का और कोऑपरेटिव मेंबरशिप का और फुल मेंबरशिप के क्या रूल्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या टाइमलाइंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। उसमें बेसिकली यूनिवर्सिटी को आप डायरेक्ट सपोर्ट कर सकते हैं, उनको आप इक्विपमेंट और चीजों के बारे में बात करूं शुरू में, वो कर सकते या हैं। एनसीपी होगा उसी तरीके से। अच्छा, उसमें भी दो चीजें हैं। अगेन, हमारे पास इस वक्त ना पाकिस्तान सन से कैसे लिंक करता है, दो तरीके से। मसलन एनसीपी मेंबर है सीएमएस का, पीएसी बिन्स्टेक जो है वो मेंबर है एलएस का या एसोसिएटेड है, और कॉमसेट्स भी एलएस का है। पाकिस्तान एसोसिएटेड मेंबर है सन का। तो पॉइंट ये है ना कि अब आपको इक्विपमेंट डोनेट करना, चूंकि आप पाकिस्तान में है तो वो पाकिस्तान सन उससे भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अगर हमें लगता है कि फास्टर होगा कि हम एनसीपी के थ्रू करें, तो वो हम सीएमएस एनसीपी के थ्रू भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एनसीपी आ गया, आपके पास आ गया। तो पॉइंट ये, इसमें डोनेशन और उसमें वो इश्यू नहीं है। जो मैं बात कर रहा हूं वो आपकी ऑफिशियल उर्दू यूनिवर्सिटी एज अ मेंबर ऑफ सीएमएस और एज अ मेंबर ऑफ एलएस या एनी अदर एक्सपेरिमेंट, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसके अंदर की इंफॉर्मेशन हम आपसे शेयर करेंगे। तो उसमें मेरा आपको प्रपोजल यह है कि फिलहाल आप एनसीपी के अम्ब्रेला से एंटर हो, सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, आपको फिर बेहतर आइडिया होगा कि क्या क्या काम यहां पर, कौन से एरियाज में आप लोगों की एक्सपर्टीज रेलिवेंट है, या आप चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च का एरिया हो या डिटेक्टिव टेक्नोलॉजी का एरिया हो, फिर आप उसमें अपनी, फिर जाहिर है जब मेच्योर स्टेज पे हो फंडिंग्स भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं एचईसी से या जो भी। तो मेरे ख्याल में ये वाला पाथ ज्यादा बेहतर रहेगा। तो डोनेशन और वो इक्विपमेंट और कंप्यूटिंग और पावर सप्लाईज और इस तरह की जो चीजें हैं, दैट इज ऑलवेज पॉसिबल, उसके लिए इस मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेट करते हैं जो कि रिसेंटली 24, 25 को असाइनमेंट इवेंट कर रहा है, उसमें हमारी मुलाकात होगी, चाहे उस पे हम हमारे डिबेट सर बिल्कुल, मैं करें। आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना वीसी साहब के थ्रू या खुद आप लोग डायरेक्टर जनरल एनसीपी से डायरेक्ट मिलें, और दूसरा आप मिलें इश्फाक साहब जो है डायरेक्टर एक्सपेरिमेंटल हाई एनर्जी ग्रुप। ये दो मेन लोग हैं,
आई गेस एनसीपी का तो आइडिया जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में है, ये मंसूर साहब और एजाज भाई और मंजूर भाई, इन लोगों को बेहतर आइडिया होगा। तो आइडिया तो ये एक नेशनल सेंटर है पाकिस्तान का, तो सारी यूनिवर्सिटीज को लिंक करना इसका आइडिया है। तो मेरे ख्याल से आपकी यूनिवर्सिटी एनसीपी के साथ एमओयू साइन करे, अब आप एनसीपी का पार्ट हो गए हैं, एनसीपी पार्ट है सीएमएस का, तो हम फिर उसमें ये होगा कि आपको सारी ईमेल्स आना शुरू हो जाए, जितनी पोजीशंस यहाँ पे अनाउंस होती हैं विद इन कोलेबरेशन, जो कि सिर्फ सीएमएस के लोगों के लिए हैं, वो एनसीपी को वो शेयर होती हैं, लोग अप्लाई करते हैं आते भी हैं, तो वो आप लोग भी उसमें शामिल हो जाएं, आप लोगों के फिर वो जो लोग होंगे उनके कंप्यूटिंग अकाउंट सन के बन जाए, फिर वो सन के लिए आप एनसीपी हैं, एनसीपी मीन्स सीएमएस है आप, तो इस तरीके से आप सिस्टम में इन हो जाएंगे, जिस तरह के एनसीपी का कोई भी आदमी ऑलरेडी है, जैसे कि हम लोग हैं यूजर हैं, बिलाल जैसे इटली के यूजर हैं, अहमद यूएस के यूजर हैं, लेकिन सन के लिए बिलाल भी सीएमएस है, अहमद भी सीएमएस है, मैं भी सीएमएस हूँ, इशफाक साहब भी सीएमएस है, आप भी सीएमएस हो जाएंगे, वो एक अलहदा बात है फिर कि आप पाकिस्तान में है या सन पे है, सन पे होंगे तो परसेंटेज ज्यादा होगी तो अकाउंट बन जाएंगे और वगैरह वगैरह, तो वो डिटेल्स हैं। तो मेरे ख्याल से इसको तो आप इमीडिएटली करें। ठीक है, वो आप कर एक और चीज कि अभी तो हमने जो वर्चुअल पॉसिबल हो बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने डिस्कस किया था, तो पहला हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था, आज जरा वर्चुअल टूर हुआ है, तो चलिए ये अच्छा एक मोटिवेशन के थोड़ा सा लाइव कैमरा में आप लोगों ने वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स देखा है, तो अब थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। अब हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट मीटिंग अरेंज करते हैं, जहां पर हमने जैसे डिसाइड किया था कि हम एक टू द स्पेसिफिक पॉइंट्स कि हम अब पहले तो वो काम करें ना जो पॉसिबल है, हम एटलीस्ट अब हम मेरा ख्याल है नेक्स्ट हम टारगेट करते हैं डोनेशन वाले उसको, और प्लस ऑफ कोर्स फिर स्टूडेंट्स, आप इन द मीन टाइम आप एनसीपी से बात करें, स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी अप्लाई करें इन जनरल इन एज अ पाकिस्तानी, वो तो हम इंफॉर्मेशन उनसे से शेयर करते हैं, फिर हम एक दफा ये डोनेशन वाले मामले के बाद फिर हम आई गेस की स्पेसिफिक बात कर सकते हैं, अगर स्टूडेंट्स को सुपरविजन चाहिए है, कोई अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनका डेटा एनालिसिस में वो है, तो वो हम उनके लिए प्रोजेक्ट देख सकते हैं हमारे यंग पाकिस्तानी लोगों के साथ, और किसी का डिटेक्टर में एक्सपर्ट्स इंटरेस्ट है हम उसमें देख सकते हैं, एनसीपी बाय द वे कर रहा है सिलिकॉन पे काम, ट्रैकर मॉड्यूल वहां पर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, तो हम जो हमने रोड मैप डिसाइड किया था, तो अब हमने दो उसके माइलस्टोन अचीव कर लिए हैं, फर्स्ट मीटिंग और आज का वर्चुअल टूर, तो अब हम नेक्स्ट जल्द ही अभी बिलाल जैसे कल पाकिस्तान जा रहे हैं, इनकी शादी है, तो ये आ जाएं वापस, और उसके बाद जो है ना फिर हम इनके हनीमून पीरियड पे जो है ना फिर हम ये वाली मीटिंग फिर अरेंज करते हैं। तो अच्छा, ऑफलाइन की पॉसिबिलिटी मौजूद है, काफी स्टूडेंट्स ने हमारे साथ काम किया है, तो फॉर एग्जांपल एक मास्टर्स का स्टूडेंट है और वो इंटरेस्टेड है, हम यहाँ से उसको एक प्रोजेक्ट और एक सुपरवाइजर रिजाइन करें जब भी उनका इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल एमएल जो एनालिसिस कर रहे हैं उसके अंदर वो एक सब पार्ट कर सकते हैं और उसको सुपरवाइज कर सकते हैं, और उनके पास टाइम है, वरना हम कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, तो ये चीज तो हम इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। इसमें जो एक टेक्निकल इश्यू आएगा वो यही आएगा जो मैंने आपको उस दिन भी जिक्र किया था, अब फॉर एग्जाम्पल आपका स्टूडेंट है वो बिलाल के साथ काम कर रहा है, अब वो उसने डेटा एनालिसिस करना है, तो अब उसने सन के टीयर्स को एक्सेस करना है डेटा को और एनालाइज करना है, सन के फ्रेमवर्क को यूज करना है, उसके लिए उसको सन की एक्सेस कंप्यूटिंग की चाहिए, तो वो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपके एनसीपी के साथ आप ये कोलैबोरेट कर लें तो आपके स्टूडेंट्स को सन का अकाउंट मिल जाएगा, तो फिर ये चीज अच्छा पॉसिबल हो जाएगी, एनसीपी वाला काम फॉर अनदर रीजन जरूरी है, क्योंकि अभी आपका स्टूडेंट अभी हम उसको डायरेक्ट गाइड नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है सारे डेटा को डाउनलोड करके लोकली रखना, और प्लस फिर जो हम फ्रेमवर्क यूज करते हैं वो हम हमेशा जो एनालिसिस करते हैं वो सन के ना फ्रेमवर्क के अंदर करते हैं, अदरवाइज आपको 600 पैकेज डाउनलोड करने पड़ेंगे और वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो लोकली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो अगेन सन की कंप्यूटिंग एक्सेस इसके अंदर एक मेजर शो स्टॉपर है, अगेन उसमें एनसीपी का बना पाया प्लेटफॉर्म है, आप एक दफा उनकी डीजी और ईएचईपी की उनकी उनसे कर लें बात, और एनसीपी का डोमेन ही है, इसमें मेरा नहीं शाह साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ बट वी नीड टू रैप दिस अप बिकॉज इट्स ऑलरेडी गेटिंग लेट। इसमें सर हमने नेक्स्ट मीटिंग में अच्छा
There is specific call. Next We meeting would we like to discuss. have something from Karachi as well. First of all, फिलहाल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी बकरीद पे शादी हो जाएगी इंशाल्लाह, बहुत मुबारक। आपको जी थैंक यू वेरी मच. कौन बकरा बनेगा ये आप आएंगे तो पता चलेगा। जी. रोड मैप व्हाट वी गॉट इज के आफ्टर महज सॉरी बिलाल शादी, इनका हनीमून पीरियड के अंदर हम मीटिंग रखेंगे एक और टू फाइनलाइज फॉर्मली हाउ टू टेक फॉरवर्ड दिस कोलैबोरेशन थिंग विद एनसीपी एंड उर्दू यूनिवर्सिटी एंड सर, राइट। अच्छा, मीन वाइल एक थोड़ा सा कंसर्न ये था, अभी आपने एक बात की कि आप लोग भी बीइंग पाकिस्तानी आप लोग भी यहाँ स्टूडेंट्स को सुपरवाइज कर सकते हैं, जो अभी आप बात बहन कर रहे थे ना, जैसे आप अगर कोई काम यहाँ की कोलैबोरेशन में बीइंग अ प्राइमरी सुपरवाइजर और अ सेकेंडरी सुपरवाइजर विद द यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर हियर कोलैबोरेट करके कोई रिसर्च करवा लें, तो उस सूरत में भी हमें किसी भी तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर्न का पार्टनर बनना पड़ेगा, आइदर थ्रू एनसीपी और थ्रू डायरेक्ट मेंबरशिप, ऐसा ही है ना? ठीक जी ऐसा ही है. है, तो आप लोग अंटिल और अनलेस उर्दू यूनिवर्सिटी बिकम अ मेंबर थ्रू एनसीपी और डायरेक्टली, आप लोग सुपरवाइज नहीं करा सकेंगे, वो रिक्वायरमेंट है उसकी। वो रिक्वायरमेंट है. एग्जैक्टली. आई मीन वॉलंटियरली फॉर एग्जांपल ना बिलाल के पास टाइम है, वो आपके स्टूडेंट के साथ वॉलंटियरली इन अ पर्सनल कैपेसिटी इन टच आ जाएंगे, लेकिन उसमें हर्डल्स आएंगी क्योंकि स्टूडेंट की वो एक्सेस नहीं होगी कंप्यूटिंग उस टाइम. हर्डल आएंगे, सही, एग्जैक्टली. आई तो गॉट यू। टेक्निकली हाँ पॉसिबल नहीं होगा कि वो डेटा को एक्सेस कर सके, उन फ्रेमवर्क्स को यूज कर सके और वो उन टूल्स को, तो ये हर्डल आएगी. यहाँ मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा। हमें सबसे पहले तो आप लोगों का उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये सारे इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया। ओके, ये देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, जो आप थोड़ा बता रहे हैं रास्ता कि हम आगे कैसे बढ़े, तो मैं आपको ये बात ऐड कर दूं कि हम लोगों ने 2021 में ऑलरेडी एनसीपी के साथ एक एक एमओयू साइन किया हुआ है। और फिर जब हमारी अभी 2 हफ्ते पहले जब ये हमारी बातचीत हुई, तो मैंने एनसीपी के लोगों से भी इसके बातचीत की है, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम उनका एक सेमिनार यहाँ करा रहे हैं, ताकि हम ये देख सकें कि उनकी जो इस किस्म की जो आई मीन स्किल्स हैं वो हम हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमारे स्टूडेंट कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमने ऑलरेडी इस किस्म की चीजों को जो है वो ध्यान में रखा हुआ है, और इंशाल्लाह हम इसी रोड मैप को हम जो है वो सर बिल्कुल, बहुत शुक्रिया. ये बहुत अच्छा है. ऐसी एक चीज अभी अभी मेरे माइंड में आई है सर, आप जब बात कर रहे थे एनसीपी की, ये मंसूर भाई को ज्यादा बेहतर शायद पता होगा, एनसीपी के थेरी ग्रुप ने एक अदर देन एनसीपी की वो जो सीएमएस कोलेब्रेशन है, एक एमओयू साइन किया है सन के थेरी डिवीजन के साथ, और उसके अंदर हमारे दो साइंटिस्ट एनसीपी से, इश्तियाक भाई और शाहीन, इस वक्त सन पे कुछ महीने के लिए मौजूद हैं. तो अगर आपके जिन लोगों का थियोरेटिकल बैकग्राउंड है, तो आई गेस ये एक बहुत, क्योंकि ये जो हमारे एनसीपी के थेरी के कोलीग्स ना, मैं पर्सनली बड़ा मुतासिर हूँ इन लोगों से, और ऑफ कोर्स मंसूर भाई से भी, वो बैठे हैं. तो ये मेरा ख्याल है आप मंसूर भाई हेल्प कर पाएंगे, आप उनसे इन टच आ जाएं, जो जो आपके थेरेटिकल के लोग हैं ना. तो चूंकि ये एक नई कोलेबरेशन अभी अभी रिसेंटली साइन हुआ है ये एमओयू, और वो अब मेच्योर हो रहा है कि दो लोग, अब शाहीन मेरा ख्याल है 6 महीने के लिए सन पे है, इश्तियाक भाई 2 महीने के लिए हैं. तो मेरा ख्याल है ये एक अनदर, इट्स अनदर डोर ओपनिंग, जो हमारे प्योर जो थेरेटिकल या फेनोमेनोलॉजी में जिन लोगों के इंटरेस्ट हैं, तो इसको तो मेरे ख्याल में आप इमीडिएटली इसको भी फॉलो करें. इसमें यकीनन मंसूर भाई ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट मिल लें हमारे जो थेरी के कोलीग्स एनसीपी जोन से. सर मैं जो है वो एनसीपी तो मेरा आना जाना लगा रहता है, वो तो मेरा जो है दूसरा घर है मेरा। जबरदस्त, फिर तो इजी हो जाएगा. तो सर बस आप ये एक्सपेरिमेंटल हाई एनर्जी ग्रुप को भी टारगेट करें डीजी साहब के थ्रू और इशफाक साहब के थ्रू, और थेरी डिवीजन को मोहसिन साहब और इश्तियाक भाई, उन लोगों से ना. तो आप मेरा ख्याल है दोनों चैनल्स को यूज करें, क्योंकि दोनों चैनल से जो हमारा प्राइमरी पर्पस स्टूडेंट्स वाला है वो फिल हो जाएगा. आप विद इन कोलेबरेशन किसी ना किसी एक फ्रेमवर्क में आ जाएंगे, स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटिंग और एक्सेस और वो सारे मामला सॉल्व हो जाएंगे. बाकी फिर डिपेंड करता है कि आगे कितनी चीजें मेच्योर होती हैं इन वो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली. तो ये दो चैनल्स एनसीपी में ओपन है इस वक्त. तो बिलाल मेरा ख्याल है फिर हम बाकी डिटेल्स स्पेसिफिक नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह करते हैं. जी देखें, ये बाकी सारी डिटेल्स, ये ब्यूरोक्रेटिक डिटेल्स हम किसी और मीटिंग, एक दिन मीटिंग रख के कर लेंगे.
तो आज का जो मकसद था वो तो बेसिकली वर्चुअल विजिट था, और सीएमएस के हवाले से थोड़ा सा बहुत बताना था तो लोगों को। बिलाल मेरा ख्याल है वीडियो वीडियो पे जरा जोल्टन और नोमी को भी दिखा दें शक्लें उनकी सारी, उनका शुक्रिया अदा तो करें। जोल्टन एंड नोमी, कैन वी से हाई टू यू, सो कैन द कैमरा गोस और यू कैन कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा। दिस इज जोल्टन जी, राइट, थैंक्स टू जोल्टन। जोल्टन एंड नोमी आर आवर लेट से द फेसेस ऑफ सीएमएस हु मेक इट पॉसिबल। दिस इज नोमी, दिस इज जोल्टन, एंड दीज आर आवर सीनियर सीएमएस कोलीग्स एंड ऑलवेज That's the problem that we have seen here. Thanks a lot for thanks a lot for your time for making this possible, this virtual tour. Thank you so much. Yeah, thank you to all the participants as well. So, inshallah, thank you so rapte much. Thank you. Thank you. Okay, ciao, ciao. Allah Hafiz.